कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रभिष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभिष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया। तात्पर्य है कली युग में अगर केवल चार नियमों का पालन करे और थोड़ी सी भगवान का कीर्तन कर दे, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगा। पहला नंबर था जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है। जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, धर्म का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। दूसरा धर्म का है पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गंजा भांग गुटखा शराब ये कोई गंदी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसको लेने से धर्म का दूसरा चरण तपस्या, तपस्या वही कर सकते हैं जिनकी दिमाग सही रहे। गड़बड़ी दिमाग वाले कभी तपस्या नहीं कर सकते, बुद्धि जिसका सही होगा वही तपस्या करेगा। ये नस्ली वस्तु ग्रहण करने से दिमाग कभी सही नहीं रहती है। तीसरा है स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियां हैं, कहते जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग और पुरुष जो स्त्री संग करते हैं, संसार करो शादी करके अपना पत्नी को साथ में गृहस्थ धर्म पालन करो, बगैर शादी के अवैध रूप में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है, यहाँ पर पवित्रता की नष्ट हो जाती है। चौथा वस्तु है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप जीव हिंसा बताया। जीव हिंसा मतलब है मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए, इसलिए इसका कहते मांस। मांस का मतलब क्या है, ये एक सांस्कृतिक वार्ड है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में फिर जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, अभी तू जिसको खा रहे हो तेरे को जो बाद में खाएगा। इसलिए भागवत में एक कथा आई है, एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ, वो यज्ञ में पशु बल देता था। एक दिन नारद जी को साथ में भेंट हो गया। नारद जी बोले भैया तू क्या कर रहे हो, बोले वेद में बताया पशु बलि देनी चाहिए, बोले इसका मतलब क्या तुम्हें पता है और इसका परिणाम क्या तुम्हें पता, बोले क्या पता, बोले अभी तेरे को दिखाता हूँ। नारद जी मंत्र पूत करके कमंडल से पानी लेकर उसको ऊपर छिड़का दिया, करते ये शरीर छूट गया। देखा तीन जमदूत उसको गले में रस्सी बांध करके घिसटते हुए ले जा रहे थे और जितनी जानवर को उसने खाया था सब लाइन करके तलवार लेकर खड़े हुए। बोले भैया तुम लोग को कौन हो, बोले याद याद है पिछली जन्म में तुम हमें काट कर खाया था, अभी हम इसको प्रतिशोध लेने के लिए खड़े और उसको टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे। वो चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो, बोले तुम जब हमें काट करके खाया था, बोले बेटा पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता, वो छटपट छटपट कर रहा था कोई छोड़ नहीं रहे थे। फिर नारद जी मंत्र पुत्र करके जब पानी छिड़काव कर दिया फिर जिंदा हो गया, उसका शरीर कांप रहा था। बोले तुमने क्या देखा,
उसने कहा मैं तो सोच रहा था मैंने इसी जीवन में मांस मछली खा लिया, मैंने देखा पाप से किसको भुक्ति नहीं, वही जानवर मेरे को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, अभी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। नारद जी ने कहा देखो ये सारे हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ो, हैं जीवन में हम सब सुख चाहते हैं, जीवन में कोई दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कहावत है सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलेगा। जब इसी जीवन में हम किसको काट करके खाएंगे उसका जो पाप उसको कौन भोगना पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे जो चार तरह का पापों से सबसे बड़ा पाप बताया मांस मछली खाना और अंडा भी नहीं खानी चाहिए। देखो आप लोग महाभारत पढ़े होंगे, जब धृतराष्ट्र की 100 बेटे मारा गए, एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्ण ये बताओ हमने इसे कौन सा पाप किया था जो हमें 100-100 बेटों का मृत्यु देखना पड़ा। कृष्ण उनको पूर्व जन्म की कथा सुना रहे, बोले पूर्व जन्म में कभी तुमने जंगल में शिकार करने के लिए गया था, एक दिन इतना भूख तुम्हें लगा, इतनी भूख लगा एक वृक्षों के नीचे बैठ गया, देखा उसी पेड़ के ऊपर में कुछ चिड़िया का घोंसला चेंचा चेंचा कर रहे थे, पेड़ में चढ़ा सचमुच से चिड़िया का घोंसला था और उसमें अंडे दिए थे, तुमने 100 अंडे खाए और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तुमने अंडा नहीं खाया 100 बच्चों को खाया था और इसलिए इसी जीवन में 100 बेटा का तुमको मृत्यु देखना पड़ा। इसलिए भक्ति करना तो गंदी चीज को छोड़ करके पवित्र आहार करते हुए भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, जितने जोर से बोलोगे ना उतना पाप हमारे सब खत्म हो जाएगा, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, आज इतने जोर से प्यास लग रहा था जिंदगी तुम्हें कभी लगाई नहीं, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वो ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे, उनको उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी नहीं दिया तो पास में एक मरा हुआ सर्प को उन्होंने गले में डाल दिया, अभी उसकी बच्चे को पता चलते ही उसने अभिशाप दे दिया, बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं उन्हें अभिशाप देता हूं सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करेगा। लेकिन जब राजा को यह बात पता चला राजा दुखी नहीं हुए, खुश हो गए, बोले क्यों, बोले मरने से एक मिनट पहले हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन ठाकुर का दया तो देखो हमें 7-7 दिन पहले ठाकुर जी सूचित कर दिया, अभी तो प्रभु का भजन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में बैठा करके भजन के लिए चले। अगर हमें पता चलता 7 दिन में मरने हमें मरना पड़ेगा हमारी क्या स्थिति होता बताओ, सुनते ही तो आधा ही मर जाते और क्या करते, बोले 7 दिन के बोले जिंदा रहना, जितने जी भर के खा लो और घूम लो जितने भोग कर लो। लेकिन श्री परीक्षित महाराज वो नहीं किया, बोले नहीं ये जीवन हमें बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, ये विषय भोग करने के लिए जीवन नहीं, इसलिए उन्होंने श्री गंगा किनारा में आश्रय लिया। बोले क्यों, बोले गंगा भगवान का चरणामृत है, मानो उन्होंने ठाकुर जी का चरण को उन्होंने आश्रय लिया। पहले कोई टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था, वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए, तब श्री परीक्षित महाराज बोले मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं ये तो संतों का वरदान है, जीवन में एक सत्पुरुष संत दर्शन दुर्लभ है,
देखो यहाँ पर 88,000 ऋषि, मेरे कितना सौभाग्य मेरे ऊपर भी संतों की। तब उन्होंने संतों को उन्होंने प्रश्न करते ही बोले, देखो आज नहीं तो 100 साल के बाद में सबको मरना है, ऐसे कोई नहीं कर सकता मैं अमर रहूंगा, लेकिन ये जीव का कर्तव्य क्या है। लेकिन वहां पर ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं थे, बोले नासो मुनिर जस मतम न भिन्नम, ऐसे कोई ऋषि नहीं था जिसका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाशन श्री गणेश जी की पूजा कर, किसने कहा क्यों उसको मैया कहीं चली गई, नव दुर्गा की व्रत रखो ना, किसने कहा इनको पास में कुल 7 दिन, अरे नवरात्रि तो 9 दिन के लिए, किसने कहा भोले बाबा कहीं क्या चले गए, मृत्युंजय कवच का पाठ कर, बोले वो भी 49 दिन। वहां पर तो ऋषि मुनियों के अंदर में तर्क वितर्क होना शुरू हो गया। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कहा वर्षा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कुल ही 7 दिन है, लेकिन ये लोग तो आपस में तर्क वितर्क में समय बिता रहे हैं। फिर उन्होंने श्री भगवान की शरणागत हो गए, बोले ठाकुर जी आप ही मुझे मातृ गर्भ में रखा किया था, केवल मेरे मन में एक ही इच्छा तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरी समय बीत जाए। तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज। जब श्री सुखदेव गोस्वामी आए, परीक्षित महाराज प्रश्न का झरी लगा दिया। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न आता है, भैया सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटा बच्चा है, नंगे धड़े 15-16 साल का बच्चा, कहीं 12 साल कहीं 16 साल का, लेकिन वहां पर तो उनको पिताजी बैठे हुए, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल, इतने बड़े बड़े जटा जुटधारी, लेकिन ये तो सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन फिर कथा इनसे क्यों सुने, तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बोले ये कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले जिस सु को राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके आनारे की दाना खिलाया करती थी, उनको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी उनको कृष्ण रूप मान करके राधा रानी इनको चुम्बन करती थी, इसलिए इनकी अधर में थोंट में राधा जी की अधरामृत लगा हुआ है। इसलिए अब राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ तो क्या होगा, राधा शब्द को उल्टा हो क्या होगा, बोलो क्या होगा, जोर से बोलो। हाँ इसलिए कहते ये राधा रानी नहीं, बोले ये श्रीमती राधा रानी, ये कृष्ण प्रेम रस की ये श्री धारा श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी के लिए बताए, बोले वैदग्ध सिंधु रस मूर्ति कृपाइक सिंधु बात्सल सिंधु रस खेल सिंधु श्री राधिके स्फुरत में रस के सिंधु। जैसे सप्त समुद्र है उसी तरह राधा रानी के अंदर में भी सारे रस का समुद्र श्री राधा रानी के अंदर में। इसलिए जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं होना तब तक ठाकुर का भी कृपा नहीं होता है। इसलिए वृंदावन में जाओ, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, वृंदावन में क्या बोलते हैं, बोलो जोर से और जोर से और जोर से। हाँ इसलिए वृंदावन में श्री राधा रानी का नाम सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झरी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि सम सिद्धि जोगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमानस्य सर्वथा। बोले एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा, आज हो अद्य वा अब्द सतांते वा मृदु वही प्राणिनाम गुरु,
आज नहीं तो 100 साल के बाद में सबको मरना है। कहती ये मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। अब देखना इसी जगत में कोई भी तृप्त नहीं है। अभी जैसे अंबानी है, उसको पूछ लो तुम्हारे पास में इतने पैसा, अभी क्या तुम तृप्त हो गया है? वो सोचता होगा ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला में कब है। इसलिए पर राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। बोले इंद्र कहे चतुरानक सुख, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख विकार। इसलिए जगत में वही व्यक्ति तृप्त है, वही व्यक्ति सुखी है। हरि भजन बिना सब दुख विकारी। जगत में वही सबसे बड़ा धनी है जो कृष्ण प्रेम धन में जो सबसे बड़ा धनी। इसलिए जब उन्होंने ये प्रश्न को की, ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरियार सत्य प्रश्न, तुम्हारे जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया। बोले आत्मबीत सन्मत पुंसा, तेरे प्रश्न का जो आत्मा में जो रमण करने वाले व्यक्ति भी तुम्हारी प्रश्न का वो भी हाँ सुन करके आनंदित होंगे। तो उन्होंने कहा देखो ये जो मानव शरीर भगवान दिया है ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, साधारण भाग्य से ये मानव शरीर जीव को नहीं मिलता है। जिसको भगवान राम कहते हैं बोले बड़े भाग मानो सन पावा, बड़े भाग मानो सन पावा, बड़े भाग मानो सन पावा, बड़े भाग मानो सन पावा। दुलावा भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं ये जो मानव शरीर है कहते सुर दुर्लभ, कहते ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी पाना दुर्लभ है। हरे कृष्ण जो पानी दे रहे ना, जो पानी दे रहे हो कथा को बीच में पानी नहीं देना, जब कीर्तन हो तभी पानी दिया करो, जब भजन हो ना तभी पानी देना, कथा को बीच में नहीं देना, ठीक है? जब भजन हो बीच में। इसलिए बोले ये मानव शरीर ये देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है। अब इसी मरते जगत में पुण्य करके तो स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो काम करके फिर आप ये मानव शरीर पा सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं बल्कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, केवल इसी मानव शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान केवल 184 लाख जनी में एक जीवा दिए हैं, जिस जीवा में भगवान की कृष्ण कृष्ण और राम राम बोल सकते हैं। केवल 2 ही हाथ दिए हैं जिससे हम ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, केवल 2 ही चरण दिए
जो घर से यहाँ तक सत्संग में आए, एक ही हृदय दिया जिससे हम प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोले ये मानव शरीर नहीं, बोले ये साधन धाम, बोले मोक्ष करे द्वारा, कहते ये मानव शरीर नहीं, हमने मुक्ति की दरवाजा में खड़े हुए, लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, प्रभु की भजन के लिए कोशिश नहीं किया, विषय भोग करते करते जीवन को बिता दिया। गोस्वामी जी कहते हैं उसको बाद में सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ठाकुर और ये मानव शरीर नहीं देंगे, फिर तुम्हें वही 84 लक्ष योनि में फिर तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन रहते रहते जितने जल्दी हो सारे काम को पीछे रख करके प्रभु का भजन में लग पड़े, क्योंकि जो विषय भोग है ये हर जीवन में होता रहता है, ये तो रिजर्व है। कोई जानवर जीवन में जाओ देखना चार काम सब करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले हम दिन में 2 काम करते हैं और रात को 2 काम करते हैं। बोले दिन में 2 काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाते हैं, उसको दरअसल परिवार को मेंटेनेंस करते हैं। बोले रात को क्या करते हैं? बोले सोते हैं और विषय भोग करते हैं, संतान जन्म देते हैं। बोले बताओ ये काम कौन नहीं करता है? एक सुअर को देखो, एक के साथ में 10-10, 15-15 बच्चा जन्म लेता है और एक महीना में बड़ा कर दिया। हम तो लिखाई पढ़ाई MA PhD डॉक्टरेट करके कितने कष्ट करके पैसा कमाते हैं, वो परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी में गए, कौन सा स्कूल कॉलेज किया, कौन सा डिग्री को पाया बता। वो खाना अपने आप उसको मिलता है, सोने के लिए कभी कभी ऐसे होगा ज्यादा टेंशन होना, एयर कंडीशन रूम में गोली खाने पर भी कभी नींद नहीं आता होगा, वो कीचड़ के ऊपर में नो टेंशन आराम से सोता रहता है। इसलिए गोस्वामी भगवान कहते हैं ये खाना पीना सोना संसार करना तो हर जीवन में रिजर्व है, किसी जीवन में जाओ तुमको मिलेगा ही जीवन, लेकिन अगर ये मानव शरीर पा करके केवल वही काम करते करते अगर जीवन बिताया तो तुमने कौन सा बड़ी भारी काम कर लिया, कौन सा तीर मार लिया। हाँ, इसलिए ये मानव सर्व जन्म को सर्वश्रेष्ठ बताया, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति करके हम भगवत चरण को प्राप्त कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। इसलिए ये जीवन पा करके भगवान की भजन में जितने जल्दी हो, इसलिए कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो आप, कहते पल में प्रलय होगी बहुरी रीत का हो, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया, बोले आज कर सो कल करो और कल कर सो बरसो, जल्दी जल्दी क्या करते हो पड़ा रहा है बरसो, हम इसको उल्टा कर दिया, उसको हमने उल्टा कर दिया। देखो जिस समय भगवान राम ने रावण को बाण मारे, अभी रावण पड़ा हुआ मैदान में मरने वाला, भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उससे अंतिम उपदेश लेकर के आओ। अभी लक्ष्मण गए, बोले भैया ने भेजा आपके पास में, हमें कोई अंतिम उपदेश दो। ध्यान देकर सुनो, रावण कहता है देखो लक्ष्मण मेरे से 2 गलती हो गई, तुम कोशिश करना कभी जैसे 2 गलती तुम्हारी नहीं हो। बोले पहला गलती मेरी ये हो गई, ये लवण समुद्र को मैं सोच रहा था पूरा मैं मीठा बना दूं, मेरे लिए कोई असंभव नहीं था। 3 भाग पानी और 1 भाग स्थल है, लेकिन 3 भाग पानी होने पर भी वो किसको प्यासा नहीं बुझा सकता, इतने नमकीन है। अगर मैंने उसको मीठा बना देता ना, दुनिया जो पानी पीते क्या बोलते, भैया उसको मीठा किसने बनाया? बोले रावण, मैं तो अपने आप उस स्वर्ग चला जाता। दूसरी गलती ये हो गई, दुनिया चाहता है स्वर्ग जाने के लिए, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना देता, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, मैं बना सकता था, सोचा भैया बना ही तो दूंगा, उसमें बड़ी बात किया है। लेकिन मैंने ये 2 चीज मैंने गलती कर ली, इसलिए तुम्हारी जीवन में कोई बढ़िया काम होना उसके लिए देर नहीं करना। जगत में सबसे बढ़िया काम प्रभु की भक्ति, क्योंकि ये 84 लक्ष जन्म में ये जीवन मिला है, इससे और बड़ा काम कुछ है ही नहीं, और ये जीवन केवल प्रभु की भजन के लिए मिला। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
आए थे तो भजन के लिए, लेकिन भजन को तो हमने एक साइड में रख लिया, जो काम के लिए, और जो करने के लिए नहीं आए ना उसमें लग पड़े, और करते करते जीवन से सामान। इसलिए भगवान के भजन को कल नहीं आज करो, बोले आज नहीं अभी से भगवान के भजन को अभी से शुरू कर दो। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बच्चों को यही बात समझाई, देखो बच्चों, कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतानीय, बच्चों को समझा रहे प्रहलाद महाराज, बोले देखो भगवान की भक्ति 5 साल से करनी चाहिए। कितने साल से, कितने साल से करनी चाहिए? 5 साल से करनी चाहिए। तो बच्चों ने प्रश्न किया, बोले प्रहलाद हमने सुना कि आप भजन रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, अभी तो बच्चे हैं ना, फिर लिखाई पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादी शुदा करेंगे, फिर बच्चों को जन्म देंगे, उनको लिखाएंगे पढ़ाएंगे, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेंगे, तू अभी से क्यों कह रहे हो भजन कर? ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात समझा रहे कि तू कह रहे हो 5 साल से भजन करने के लिए, जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? अभी आपने देखा है ना कैसे फौजी को कैसे बम से कैसे मार दिया, उनको कोई पता चला था? ऐसे हम बीच मर जाएंगे, ट्रक में जाते जाते मर जाएंगे, किसको पता था? अब न्यूज पेपर रोज पढ़ो, चलते चलते बैठते बैठते कैसे कैसे लोग मर गए हैं। इसलिए प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? इतने साल तक जिंदा रहेंगे, अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया तो? कहते नहीं तो अगले जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, बच्चों भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं। बोले 84 लाख ब्रह्म के ये नर तनु दे, ये तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार तुम्हें जीवन मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसी जीवन के बाद में ये मानव शरीर हमें नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, तभी अगर आपने भजन किया तो भगवान बोलेंगे भजन किया है, उसको और एक बार चांस दिया जाए। भजन नहीं करेंगे तो एकदम ठाकुर मानव शरीर नहीं देंगे, बोले तू खाए पिए बच्चे जन्म देकर मर गए, जानवर भी करते हैं, जाओ उसी जानवर जीवन में जाओ और ज्यादा ज्यादा ये काम को करो हैं। तब प्रहलाद ने समझाया क्यों भक्ति बचपन से करनी चाहिए, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। हम ये 5 साल से क्यों भक्ति करें, बड़े होकर के क्यों नहीं करें, कारण क्या है? उन्होंने 4-5 उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये चीज को दिल में बैठा। पहला एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया, जैसे कच्चा मिट्टी को आप देखना, जो कुछ बनाना चाहोगे कच्चा मिट्टी पे बन जाएगा। मिट्टी जब पक जाती है उससे कुछ बनती है? नहीं बनेगी, वो कच्चा मिट्टी में ही सब कुछ बन सकती है। बांस जब कच्चा हो अब जिधर टेढ़ा करना चाहो टेढ़ी तो हो जाएगी, लेकिन जब पक जाएगा ना तो टूट जाएगा, लेकिन वो उसको टेढ़ा नहीं कर सकते हो। फूल जब खिला हुआ होता है वो ठाकुर का चरण में चढ़ाया जाता है, फूल मुरझा जाने पर चढ़ाया नहीं देता है। कोरे कागज के ऊपर में जो कुछ लिखो स्पष्ट रूप में दिखेगा, लेकिन एक बार लिखने का बाद उसको ऊपर लिखने के लिए जाओ देखना दोनों ही जाएगा, वो दोनों ही खत्म हो जाएगी हैं। इसलिए बोले बच्चों कहते हो रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले सरकार क्यों रिटायर्ड करता है, बोले सरकार क्यों रिटायर्ड करता है? जब देखता है भैया और 8-8 घंटा बैठ कर ये काम नहीं कर सकते हैं, बोले भैया तो कुछ होना हो गया घर भी जाओ, हो गया तेरा जो कुछ होना हो गया तुम घर में वापस जाओ। जब साधारण काम से हम रिटायर्ड हो गए फिर प्रभु का भजन क्या करोगे? तब उन्होंने लास्ट एग्जाम्पल दिया, बड़ी गजब का एग्जाम्पल दिया, बोले बोलते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले देखो अच्छे तरह से समझो, बोले मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, बोले हाँ, बोले आधा रात और आधा दिन, बोले हाँ, बोले आधा रात तो 100-100 करके बीत जाती है, बोले 50 साल तो गया, अभी कितना रह गया 50 साल, 50 साल में 10 साल तक बच्चे भोला भाला होते हैं, खेल कूद में लगा देते हैं, 50 10 कितना हो गया, कितना हो गया बोलो, 60, अभी कितना साल बाकी रह गया, 40, बोले 40 सालों में 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है वो जो बुढ़ापा में जीवन बीतता है, आंख में देखना कम हो जाएगा, कान में सुनाई नहीं पड़ेगी, दांत टूट जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, हैं? केवल शरीर का चिंता करते करते उसको 20 साल तो
केवल शरीर को चिंता में जाता है 80 से 100 साल तक। अभी बीच में कितना साल बच गया बोलो, कितना साल बच गया? बीच में 5 साल केवल बीच में रह गया। जब जवानी होते हैं कितने कामनाएं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को शादी करना, दुकान मकान बनाना, फैक्ट्री मकान बनाना, घर को सजाना, कहते इतने उसकी कामना वासना है। भले ही 100 साल का उम्र हो गया ना, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ। प्रहलाद ने कहा बताओ, तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बताओ तुम्हारे पास में समय कहाँ बुढ़ापा में भजन करने के लिए। इसलिए देखो मीरा जो भजन की कितने उम्र में मीरा की थी, 5 साल उम्र में। ध्रुव प्रहलाद ने कितने उम्र में भजन किया, 5 साल उम्र में। तुलसीदास ने कितने उम्र में भजन किया, प्रहलाद ने, सूरदास ने कितने उम्र में भजन किया, बुढ़ापा में कोई भजन नहीं किया। जो भजन किया है ना, सब जवानी में भजन किया है। देखो जैसे आपको जिनका थोड़ी सी ज्यादा उम्र हो गई, आपको आप कोशिश करो हम 10 मिनट बैठ करके ठाकुर को याद करेंगे। आप स्वयं सोच लो, हम ठाकुर के सामने 10 मिनट बैठ करके ठाकुर को याद करेंगे, आप देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा तुम्हारी। 10 मिनट तो बैठोगे लेकिन 1 मिनट भजन में मन नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले रील में जो भरा होगा वही तो निकलेगा। हमने जिंदगी भर जो रील में भर दिया वही तो निकलेगा। जिंदगी भर रील में तो दुनियादारी भर दिया, आंख बंद करते ही बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान यही दिखेगा, और कुछ दिखेगा नहीं। क्योंकि जिंदगी भर रील में हमने यही भरते भरते आ, यही चीज तो भरे जीवन में ना। अगर प्रभु का भक्ति अगर भरते तो प्रभु का भक्ति आता, जो भर हुए तो वही आएगा। इसलिए प्रहलाद कहते हैं बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। क्यों? इसी जीवन में तुम्हें भगवान चरण को प्राप्त करना, ठाकुर तक तुमको पहुंचना है। अगर बचपन से चलना शुरू करोगे ना, कहीं फिर जा करके प्रभु को प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार आप लोग को बोलो, मैं सुनूंगा जोर से। अभी भी कुछ कुछ भक्त लोग बोल नहीं रहे, और जोर से और अगर मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। यहाँ पर श्री सृष्टि का वर्णना करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी जन्म हुए। ब्रह्मा जी ने नाभि कमल में जो नार में 1000 साल तक उन्होंने संधान की, कोई था नहीं पाए। उनने व्यंजन वर्ण का 2 अक्षर सुना, त और क, बोले तपस्या करो। जब उन्होंने तपस्या की कहते ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम, भगवान उनको दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान की। इसलिए भागवत का एक नाम चतुश्लोकी है। सर्वप्रथम ठाकुर उनको 4 श्लोक उन्होंने बोला था। इसकी जो व्याख्या ये पूरी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। सर्वप्रथम उन्होंने मानस की संतान चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया। चतुसन में सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। बोले देखो ठाकुर का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ाओ। बोले पिताजी ये संसार बड़ा दुखमय है, हम तो प्रभु की भजन करते हुए जीवन को आनंदमय में करते हुए ठाकुर के चरणों को बनना चाहते हैं। बोले भगवान का आदेश संसार करो और तुम कहते हो घर गृहस्थ दुखी। बोले शादीशुदा नहीं करोगे, बोले नहीं। बोले अगर शादी नहीं करोगे ना अभिशाप देता हूँ, अभी जैसे जन्म लिया ऐसी इसी उम्र में रहो। बोले पिताजी ये तो अभिशाप थोड़ी है, तो वरदान है। बोले कैसे? बोले संसार का सारे बोझ किसको ऊपर, बड़े को ऊपर, बच्चों को कोई बोझ है?
वो तो मस्ती में रहते हैं, आनंद में खेलते कूदते हैं, बोले ये वरदान नहीं था, आशीर्वाद है। फिर उन्होंने जब चतुसन ने सृष्टि नहीं की, उनको क्रोध आया तो ललाट से श्री रुद्र प्रकट हुए, उनको भी ब्रह्मा जी आदेश दिए। अभी उन्होंने सोचा अगर मना कर दूं ना पिता झगड़ जाएंगे, क्योंकि बड़े भाई तो मना कर दिया, बोले ऐसे काम कर ब्रह्मा अपने आप मना कर दे। फिर उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की, बोले ये कोई सृष्टि है, जरूरत नहीं है सृष्टि करने का, बंद करो। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तो मैं तो यही चाह रहा था। फिर उन्होंने परीक्षा इसे कर दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 पुत्र को, फिर अपना शरीर से मनु और शत्रुपा को सृष्टि की, और ये मनु महाराज से 3 बेटी और 2 बेटे जन्म हुए, और धीरे 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 संसार का क्रम को बढ़े। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से हुए, इसलिए हमें मानव कहलाते हैं। हमें क्या कहते हैं? मनु महाराज से हुए हमें क्या कहते हैं? इसलिए हमें मानव कहलाते हैं। लेकिन ये हमारे साइंस क्या कहता है, ये डार्विन थ्योरी है। आपको पता होगा डार्विन कहता है हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते कटते कट जब कट गया फिर ये इंसान बन गए। लेकिन ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुदेव का जो गुरुदेव जिसने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहराया, वो कहते हैं ये डार्विन का जो पिता माता ना ये बंदर थे। लेकिन हमारी पिता माता बंदर नहीं थे, हमारे पिता माता तो ठाकुर जी थे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तुमैव माता च पिता तुमैव। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कहते पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये दुनिया की जो पिता माता भाई बंधु मैं हूं, हमारे कोई शास्त्र नहीं कहता है हम बंदर से हुए हैं। देखो भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, कहते ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो जीव है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं। अब क्रिश्चियन का बाइबल को पढ़ो, बाइबल में बताया गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है, बोले भगवान ने अपना जैसे इंसान को बनाया। ये मुसलमान का कुरान को पढ़ लो, ये कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, ये कुरान में लिखा हुआ खया सूरत। हाँ ये कुरान में, ये कुरान में लिखा हुआ ये। इसलिए किसी शास्त्र में नहीं बताया बंदर से हम हुए हैं, हर शास्त्र में बताया हम भगवान से हुए हैं, बंदर से नहीं हुए। प्रश्न है फिर ये डार्विन ने ये बात क्यों बताया? डार्विन मरने से पहले ये बात को बोल कर गया, बोले जो सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुमने ये प्रूव करके दिखा दो। क्या प्रूव करके दिखा दो? हम बंदर से हुए हैं। क्यों? वो लोगों को नास्तिक बनाना चाहता था, लोगों को नास्तिक बन जाए सबके सब लोग, इसीलिए उसने सरकार ने उसको जोर जबरदस्ती किया था मरने से पहले, ये डार्विन ने ये बात को बोल कर गए। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए, हम कहां से हुए? हम लोग कहां से हुए? बोलो हम लोग कहां से हुए? हम सबके सब श्री ठाकुर जी से जन्म लिए हैं। एक बार हाथ उठा कर सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए देखो आपके एक दो छोटी छोटी कथा सुनाता हूं। आप लोगों ने आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, सुने हो आइंस्टाइन का नाम? कौन कौन सुने आइंस्टाइन का नाम? ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। एक समय में क्या हुआ, ये पृथ्वी के जितने साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, बल इनका विषय वस्तु था ये जो सृष्टि कैसे हुई है, क्या सृष्टि, क्या भगवान ने ये सृष्टि किया ना ये सृष्टि अपने आप हो गया, केवल इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पृथ्वी का बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए। लेकिन ये जो आइंस्टाइन, ये धर्म के ऊपर बड़ा विश्वास करता था और भारत और फिलोसफी के ऊपर बड़ा उसको विश्वास करता था। वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए ये आइंस्टाइन ने क्या किया, जहां पर सारे लोग इकट्ठे होएंगे ठीक दरवाजा में ये पृथ्वी का एक मैप बनाया।
बड़ा सुंदर मैप बनाया, कैसे सुंदर झरना बह रही है, कौन सा ग्रह कहाँ पर किस रूप में कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे बड़ी सुंदर नदी बह रही है, बड़ी प्राकृतिक सुंदर, बड़ा सुंदर एक मैप बनाया। जब मैप बनाया सब साइंटिस्ट ही आए, आकर के जब घुस रहे थे, घुसते ही देखा सबके सब वहां पर, सबके सब खड़े हो गए, सबके सब खड़े होकर के देखा, भैया बड़ा सुंदर है, इसको बनाया किसने? सबके सब बड़ा आग फार फार कर देख रहे थे कितने सुंदर बनाए। लेकिन जब सारे को सारे साइंटिस्ट ही वहां पर इकट्ठे हो गए, इतने में चर्चा हुई, सचमुच से ये दुनिया को किसने बनाया ना, ये दुनिया अपने आप बन गई। इतने में आइंस्टाइन ने बताया, देखो तुम लोग जब अंदर में घुस रहे थे, देखा वहां पर एक सुंदर मैप, पृथ्वी का एक सुंदर मैप देखा, उसको बोले हाँ देखा, बोले बड़ा सुंदर है, इसको बनाया किसने? आइंस्टाइन ने कहा किसने बनाया नहीं, वो अपने आप बन गया है। बोले क्या पागल जैसे बात कर रहे हो, बिना बनाए इसे थोड़ी बन सकता है, उसको तो कोई बनाया होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा देखो मैं तुम लोगों को यही इतना सी चीज समझाना चाह रहा था, जब एक साधारण एक मैप है उसको बिना बनाए नहीं बन सकता है, और ये सारा पृथ्वी को अब देखना, भले ही हमें उठने में थोड़ी सी देर हो जाए, 10 मिनट इधर आ जा, इसलिए भले ही 10 मिनट 20 मिनट तुम्हारी देर हो जाए, ये बताओ चंद्र सूर्य उदय होने में कोई देर होता है? कोई देर होती है उदय होने में? कोई देर नहीं होती है। देखना एक सीजन के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, तीसरे के बाद में चौथे, देखना सारे सीजन एक बाद अब एक एक आता है। जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, किसने बोलेगा नहीं तो अपने आप हो रहा है। अपना राहुल प्रभु जी को पूछो, राहुल राठी जी को पूछो, वो कितने दिन से लगे हुए हैं, कथा होएगा, निमंत्रण कार्ड भेजना, इसको सजाना, कितने लोगों को यहाँ पर लगा करके रखे, किसी तरह से एक छोटी सी प्रोग्राम किसी तरह से हो रहा है, एक छोटी सी प्रोग्राम। और जो विश्व ब्रह्मांड में सारा दुनिया, जैसे हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, वो ऐसे चल रहा है, कोई सैटेलाइट कोई चीज भेजा हुआ है, हैं? उसको पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं। साधारण एक इंटरनेट मोबाइल काम कर रहा है, उसने बताइए दुनिया ऐसे नहीं चल रहा है। इसलिए भगवान भागवत में कहते हैं मत भयात बाति बात वयम सूर्य तपति मत भयात बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मत भयात। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माँ को, बोले माँ मत भयात बाति बात वयम, ये जो हवा बह रही ना मेरे आदेश पर, मेरे भय से हैं, ये जो अग्नि जला रही है ये मेरी भय से, मृत्यु जो ग्रहण करता है मेरे डर से, इसलिए पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है भगवान कहते हैं सब मेरे इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी, बोलो उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी, एक पता भी नहीं हिलता है। वो ऐसे नहीं कहता है, भगवान खुद कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरे इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें नास्तिक नहीं बननी चाहिए। आप लोग ने अकबर का नाम सुने हो? कौन कौन अकबर का नाम जानते हो? उसने एक बार बीरबल को दो प्रश्न किया था। उसका पहला प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, दूसरी प्रश्न था अगर भगवान है तो क्या कर रहे हैं। बोले दो दिन में इसकी आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल तो बड़ी चिंता में पड़ गया, बोले भगवान है तो कहाँ है, फिर कहाँ हो तो फिर क्या कर रहे हैं? अब भैया मेरे को क्या पता क्या कर रहे हैं। वो घर में आकर के चुपचाप बैठ गया, खाना पीना बोलना सब चलना बंद है। अभी उसको घर में एक छोटा बच्चा था, बोले पिताजी ऑफिस से आकर के ऐसे गुमसुम कैसे हो गए, खाना नहीं खा रहे हैं, बात नहीं करते हैं, बड़ी चिंता में। उसकी बच्चा जाकर के बोले पूछा पिताजी क्या हो गया, आप ऐसे गुमसुम कैसे हो गए? बोले तो छोटा बच्चा बात नहीं समझो तू जा। बोले पिताजी बताओ ना बात क्या है? बोले बेटा मेरे को अकबर ने दो प्रश्न किया, अगर ये दो प्रश्न का उत्तर दो दिन में नहीं दे पाऊंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, अगर नौकरी गया तो मैं तुमको खिलाऊंगा क्या, ये संसार को कैसे पालूंगा,
बोले पिताजी ये छोटी सी प्रश्न के लिए आप इतने चिंता में पड़े गए हो, कोई चिंता मत करो, खाओ पियो मस्त रहो, दो दिन बाद में जब आप चलोगे ना मेरे को साथ में ले चलना, इसका आंसर मैं दूंगा। बोले आप तुम दे दोगे? बोले पिताजी ये कोई प्रश्न है, आप कोई चिंता मत करो, पिताजी खाए पिए मस्त रहे, दो दिन बाद में गए। अकबर ने पूछा बीरबल तुमने मेरे दो प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हो? बोले महाराज जी ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न, मेरे बच्चा भी इसका उत्तर दे सकता। बोले बच्चा दे देगा? बोले हाँ। तो बच्चा को उसने पूछा बताओ तो पहला प्रश्न क्या था, बोलो पहला प्रश्न क्या था? आप लोग इतना जल्दी भूल जाओगे तो फिर उत्तर कैसे सुनोगे? बताओ पहला प्रश्न क्या था, बोलो जोर से, भगवान है तो कहाँ है? बोले बताओ भगवान है तो कहाँ है? तो वो बच्चा ने कहा महाराज जी आप 5 किलो दूध मंगाओ। तो उन्होंने 5 किलो दूध मंगाए। बोले महाराज जी ये बताओ ये दूध में घी है कि नहीं? बोले है। बोले मेरे को दिखा। बोले घी कहाँ मेरे को दिखा? बोले ऐसे थोड़ी घी दिखेगी, पहले इसको गर्म करो, फिर उसमें जमन डाल करके जमाओ, उसको बाद में फिर मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को पिघा लोगे तो फिर उसमें घी निकलेगा। बोले महाराज ये दूध में घी है लेकिन एक प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस में चलोगे तभी तुमको क्या मिलेगा, तभी घी मिल सकता है। आप कहते हो भगवान है कहां, थोड़ी लड्डू थोड़ी कोई है जो बना करके खा लिया। बोले शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाही निरंतर ध्यामे। इसलिए भागवत कहता है यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी इत्यादि कठोर तपस्या करते हैं, बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति, विधि मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटाओं को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रभु का प्राप्ति, जब प्रभु को एक बार प्राप्त कर ले उसको जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए जीव मुक्त हो जाते हैं जिनको दर्शन मात्र से। इसलिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी जिनकी चरण को दिन रात सेवा करती रहती हैं, आप कह रहे हो भगवान ने कहां दिखा दो, नहीं तो ऋषि मुनि लोग इतना तपस्या क्यों करते पाने के लिए। इसलिए महाराज उसका प्रोसेस है, साधन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, उनके लिए साधन की जरूरत है। ऐसे ठाकुर जी नहीं दिखते हैं। जब ये बच्चा ये बात बताया ना राजा तो खुश हो गए, बोले वाह बढ़िया बात तुमने बताई। फिर उनने दूसरी प्रश्न पूछे, बताओ दूसरा प्रश्न क्या था, बोलो दूसरा प्रश्न क्या था बताओ, कोई कोई याद नहीं रखे? भगवान है तो क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने दूसरे प्रश्न पूछा वो बच्चा ने कहा प्रश्न कौन कर रहा है? बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा? बोले तू। बोले जो प्रश्न करता है वो छात्र होता है, जो आंसर देता है वो टीचर होता है, और टीचर कहाँ बैठता है? ऊपर में। छात्र कहाँ होता है? नीचे। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो, आप ऊपर बैठे हुए हो, अब मैं उत्तर दूंगा, मैं नीचे खड़ा हूं। कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं अगर कोई ब्रह्मा संबंधी प्रश्न हो उसका 3 नियम है। बोले 3 नियम क्या है? बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर कोई ब्रह्मा विद्या पूछना हो तो घमंड को साथ में नहीं, पहले जाकर के उनके चरण में प्रणाम करो। सबसे पहले प्रणाम मतलब क्या, सारे अहंकार को छोड़ करके उनकी चरण की शरण ग्रहण करो। दूसरी बोले उनकी सेवा करो। जब सेवा करोगे फिर तो मेवा मिलेगा, फिर तो वो संतुष्ट होंगे। तीसरा फिर प्रश्न करो, जब वो प्रसन्न हो करके तुम्हारी नम्रता से प्रसन्न होंगे तभी वो उत्तर देंगे। ऐसे नहीं उनको पास में जाकर घमंड तक वो साथ में पूछोगे नहीं। अगर इसका उत्तर सुनना चाहते हैं पहले आप सिंहासन से नीचे उतरो और मेरे को सिंहासन में बैठा हो, फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रश्न करो। राजा तो फंस गया, इतना छोटा बच्चा क्या बोल रहा है,
अब राजा को ऊपर से नीचे उतरना पड़ा और ये बच्चे को सिंहासन में बैठाना पड़ा। बोला हाथ जोड़ कर पूछो। अभी अकबर अभी हाथ जोड़ करके प्रश्न करता है, भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान तो यही कर रहे हैं। बोले एक मिनट में ब्रह्मा को मच्छर को वो ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को वो मच्छर बना सकते हैं, रंक को राजा और राजा को वो रंक बना सकते हैं। राजा खुश हो गया, वाह तुमने क्या प्रश्न की उत्तर दिया है। इसलिए अगर कोई बोले हैं अरे भगवान कहा दिखाओ, भगवान थोड़ी लड्डू बनाओ और खा लो। इसलिए ये स्टोरी को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कहां से हुए हैं? हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम भगवान से हुए, ठाकुर जी से हुए हैं। आपका चेहरा को लो, एक बंदर लो और भगवान राम और कृष्ण को साथ में मिलाओ, मिलोगे? आपका चेहरा बंदर से मिलेगा ना कृष्ण और राम से मिलेगा? बताओ। देखो राम का जैसे नाक हमारे भी नाक वैसे है, राम का दो हाथ हमारे भी दो हाथ है, भगवान राम की दो आंख देखो जैसे हमारे आंख भी वैसे है, उनका प्यार जैसे हमारा प्यार वैसे ही है। एक बंदर को लेकर के मिलाओ, एक बंदर मिला, हम मिलेंगे बंदर को साथ में? हम नहीं मिल सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं भैया उसी समय बंदर का पूछ कटते कटते इंसान क्यों हो गया? अभी कितने सारे बंदर घूम रहा है, अभी कोई बंदर को इंसान होते हुए किसने देखा? कोई बंदर उसी समय अभी क्यों नहीं हुए? इसलिए इस सब लोगों को नास्तिक बनाने के लिए ये सब डार्विन ने ये सब बात बोल कर गए। इसलिए आप लोग देखो एक आश्चर्य बात है, ये हमारी भारत में ही ये जो तीन ये थियोरी है ना, आप देखना अमेरिका में बच्चों को ये थ्योरी पढ़ाया नहीं जाता है, ये थ्योरी पढ़ाया जाता है हमारे भारत में। जिस देश धार्मिक देश है, जो सनातन धर्म है, जहां पर भगवान कृष्ण जन्म हुए, जहां पर भगवान राम जन्म हुए, जितने सारे भगवान भारत में जन्म हुए, और हमारी जो धर्म है ना, कौन सा धर्म? हम सनातन है। हम कौन है? सनातन धर्म है। आप जितने धर्म देखो जैसे क्रिश्चियन धर्म अभी क्या चल रहा है 2019 है ना, वो क्रिश्चियन धर्म कब से आया है? बोले 2019 से पहले ये धर्म थी नहीं। और दूसरे जो दूसरे धर्म कोई 1000 कोई 1500 इसको पहले, कोई 5000 इसको पहले, और कोई धर्म ही नहीं था, केवल एक ही धर्म था हमारी, ये सनातन धर्म था। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मैं भी सनातन और मेरे जीव भी सनातन। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम ये सनातन धर्म में हमने जन्म लिए, श्री भारत भूमि में जन्म लिए, जिस भूमि में सारे भगवान के अवतार श्री ये भारत भूमि में हुए हैं, बड़े भाग्य से हमारी जन्म हुआ है। इसलिए अपना धर्म छोड़ करके हमें और किसी धर्म में नहीं जानी चाहिए। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के भजन सुनो कृष्णदास करते जरा, वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। कोई भी सुनिए मत, बड़े प्रेम से कथा को ध्यान देकर के सुनिए और सभी अभी बोलिए ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, पकड़ भर के अंचल भर के सब ले लीजिएगा, ले लो रे कोई प्यारा। आवाज लगाओ गली गली हो कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराओ गली गली ले लो कृष्ण का प्यारा। I'm gonna make you mine.
हरे कृष्णा। आपको बीच में एक बच्चा है, वो थोड़ी सी आपको भगवान की कथा सुनाएगा। हरे कृष्णा। देखो ये जो बच्चा है, अब बताओ तो आप क्या करते हो? हरे कृष्णा, मैं डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। देखो लेकिन ये पढ़ाई लिखाई करते हुए भी देखो ये तिलक लगाते हैं, इनकी गले में देखो तुलसी कंठी है।
और हरिनाम करता है, हाँ? हरिनाम करता है। अभी आपको भगवान की कथा सुनाएगा, अब देखोगे वो कितने सुंदर कथा बोलता है। ऐसे नहीं पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई करता है, काम धाम भी करता है, लेकिन उसको साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करता है और भगवान की कथा सुनाएगा। देखो कितने प्यारी प्यारी ठाकुर की कथा सुनाएगा, बोलो। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करह विशालाक्ष दीर्घार गल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनीक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा और करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को इस सत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर दश भक्ति वेदांत स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात व्यासासन पर बैठे मेरे पूज्यपाद गुरुदेव शोभा भी जिनके सामने शोभा पा रही है ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके उपरांत यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतृवृंद जो अपने पता नहीं किस पुण्य पुण्यातीत पुण्य से भगवान की महती कृपा से आज जिनको सर्वोत्कृष्ट भगवती भागीरथी रूपी कथा का रसपान करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त श्रोत्र वृंद के हृदय में केली करते हुए श्री बाल मुकुंद लाल को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग इस कथा सत्र के माध्यम से श्री महाराज जी के सानिध्य में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोग, मैं पहली बार ही खुर्जा आया हूं तो कुछ थोड़ा नया ही सुना देता हूं। देखिए, हमारा जैसे कोई भी किसी भी फंक्शन के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसका एक अपना ड्रेस कोड होता है कि उसको किस वेशभूषा में जाना है। वो अलग 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 परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूषाएं धारण करता है। ऐसे ही वैष्णव के भी आभूषण होते हैं। ये तिलक, ये कंठी, ये हमारे आभूषण हैं। सामने कोई तिलक लगा करके कंठी धारण करके जा रहा हो तो समस्त प्रतीति हो जाती है कि वैष्णव जा रहा है। ये कंठी साधारण नहीं है। रास पंचाध्याय में स्वयं गोपी कह रही है ये बात, कच्छित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रद दृष्टः केन प्रियच्युता। रास पंचाध्याय। हे तुलसी कल्याण, तुलसी जी को कल्याणी शब्द कल्याणी के रूप में शोभित किया है, उसका उपसर्ग लगाया है और कल्याणी कहा है, वे कल्याण करने वाली है। हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में भगवती तुलसी की आराधना होती है, उनकी आरती होती है। बिना तुलसी महारानी की शरण लिए श्री ठाकुर जी की प्राप्ति मुश्किल है और देखा जाए तो असंभव ही है। हमारे जब तुलसी जी की आरती होती है तो उसमें गाया जाता है, जे तुम्हारे शरण ले तार वांछा पूर्ण होए। जो श्री तुलसी जी की शरण लेता है उसकी समस्त वांछाएं पूरी हो जाती हैं। वो जो चाहता है भी भगवती तुलसी उनको प्रदान कर देती है। तुलसी जी को धारण करना आवश्यक है, पर एक वैष्णव क्या मांगता है तुलसी जी से? वो तो केवल इतना ही मांगता है कि हमें वृंदावन का वास मिले,
और कैसे वास मिले। वृंदावन में तो बहुत लोग रहते भी हैं, लेकिन मन से बहुत कम लोग ही भजन करते हैं। हालांकि उनको वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन जो एक वैष्णव है वो ब्रज में वास करने का सौभाग्य तो मांगता ही है, लेकिन कैसे। नयाने हैं रिबो सदा युगल रूप राशि, नमो नमो तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमो। वृंदावन में रह करके हमारे नयनों में श्री राधा माधव की छवि निरंतर वास निरंतर बसती रहे, इस योग्य होकर के हमें वृंदावन का वास मिले। देखिए, तुलसी का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। जिसके गले में तुलसी नहीं होती, यत कंठे तुलसी नास्ति, पद्म पुराण का श्लोक है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नराह मूढ़ मानसाह, श्रुणोति विष्टाम समम चरणम और जलम च मदिरा समम। जिसके कंठ में तुलसी नहीं होती, उसका छुआ हुआ जो जल है वो मदिरा के तुल्य है, उसका छुआ हुआ अन्न जो है वो स्वान विष्टा के समान है। इसीलिए तुलसी अवश्य धारण कीजिए। तुलसी धारण, यदि कंठ में तुलसी है और हमने भोजन पाया है, तो सिकते सिकते तु लभते बाजुनी इति फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर सौ सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है केवल तुलसी धारण करने से। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की। और तिलक की, हमारा जो वैष्णव का तिलक है उसको कहते हैं ऊर्ध कुंड। ऊर्धम नयति यत् कुंड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्यात् ऊर्ध कुंड्रेति तस्मात् तद् धारे ध्वजा। पापी से पापी मनुष्य भी यदि ऊर्ध कुंड लगा करके उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाती है तो भी भगवान के विमान उसको लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये है तिलक का। ऊर्ध कुंड धर्योर मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थम मम लोके महीयते। भगवान का वचन है, जिसके सर पे ऊर्ध्वकुंड होगा माथे पर, जो तिलक धारण करेगा उसको मैं स्वयं अपने विमान में बिठा करके अपने धाम तक लेके जाऊंगा। ये है तिलक की महिमा, ये है तुलसी की महिमा। देखिए, भगवान किस लिए आते हैं धरा पर? क्या केवल भगवान असुरों का संहार करने के लिए? श्री कृष्ण श्री भगवान आए हैं इसलिए, केवल असुरों का संहार करने के लिए? अरे असुरों का, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र आदि का तो वे वध ऊपर संकल्प अपने धाम में बैठे बैठे संकल्प करके भी कर सकते थे। उन्होंने कहा उद्धव से, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इत्तमे उद्धवो उक्तमो राजन। अरे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव मुझे क्या कोई असुरों का संहार करने के लिए स्पेशल धरती पर आना पड़ता? मैं बैठे बैठे ही संकल्प करता तो तुरंत इनका नाश हो जाता। तो फिर प्रभु क्यों आए हैं? तो भगवान ने कहा, पर बैठे गोपिन को माखन कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खाए। अरे तज देऊं भल ही शेष सिंहासन, पर जन की टेर तजी ना जाए। बैठे बैठे मैं संहार तो कर सकता था, लेकिन क्या धाम में बैठे बैठे शबरी के फल को चख सकता था? वो गोपी प्रेम से माखन देती थी, क्या माखन खा सकता था? क्या विदुरानी के केले का छिलका आरोग सकता था? भगवान आते हैं तो केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं, संतों पर कृपा करने के लिए आते हैं, अन्यत्र कोई प्रयोजन भगवान के आने का? लीला का विस्तार केवल हम जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान आते हैं। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है हम लोग आज इस कथा सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग आए हैं, महाराज जी की सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। कथा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नाम और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, लीला और भगवान में कोई भेद नहीं है, और धाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। साक्षात वृंदावन श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, साक्षात भागवत जी, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वांगमय स्वरूप है, शब्दमय विग्रह है।
भगवान भक्तों का उत्थान करने के लिए आते हैं। आप लोगों को एक बड़ी सुंदर बरसाना की मैं कथा सुनाता हूँ। बरसाना की सच्ची घटना है ये। एक बार बरसाना में एक सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ खूब ऐश्वर्य था, तीन बेटे थे, तीनों बेटों की तीन बहुएं थी, और सेठ जी थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, पर सेठ जी को अंदर एक दुख रहता था कि मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं है। सेठ जी बड़े दुखी हुए, लेकिन संतों की कृपा जब किसी पे हो जाती है ना तो सारे अभाव मिट जाते हैं। सेठ जी ने संत की शरण ली। संत तो बड़े निर्मल होते, देखिए भैया हमारे वास्तविक माता पिता संत ही हैं, संत ही परिचय दिलाते हैं भगवान का। कबीरदास जी ने लिखा है, संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु, अरे संत मिलावे राम जी सो और काटे यम के फंद, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यूं ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो उनके मन में पीड़ा थी कि मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं है। तो संत ने कृपा करके कहा उनको, सेठ जी को, सुना हूं सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, और यही ना तेरा धासुता काहे रहत उदास। अरे सेठ जी आप तो बरसाना के वासी हैं, राधा रानी को ही अपनी बच्ची मान लो, राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। संत पर कृपा कर, उस सेठ जी पर कृपा करके संत भगवान चले गए, और जैसे गए उसके बाद तो सेठ जी राधे राधे सारा दिन, राधा रानी का बड़ा सुंदर चित्र मंगवा लिया, अपने कमरे में रखता उस चित्र को, और नित्य प्रति कुछ आरोपता कुछ पाता प्रसाद पाता, उससे पहले राधा रानी के सामने भोग लगाता, बेटी खा ले बेटी खा ले। ऐसे दिन व्यतीत होते गए। एक दिन क्या हुआ, उस संत के घर में मनिहारिन आई चूड़ी बेचने वाली। उस मनिहारिन का एक नियम था कि उसके घर में जो तीन बहुएं थी सेठ के जो बच्चों की जो पत्नियां थी, वे चूड़ी पहन लेती थी, लेकिन जो चूड़ी का जो दाम होता था वो सेठ जी की दुकान पे जा करके मनिहारिन लेती। तो वे आई मनिहारिन, उन्होंने आई तो पहली ने चूड़ी पहनी चली गई, दूसरी ने चूड़ी पहनी चली गई, तीसरी ने पहनी चली गई, लेकिन ये क्या, एक छोटा सा हाथ आगे आया। जैसे ही हाथ आगे आया मनिहारिन सोचने लगी, वैसे तो इनके घर में तीन ही हैं, आज तक तीन लोगों ने ही चूड़ी पहनी है, ये चौथा कौन। फिर उसको लगा मुझे क्या आ गई होगी, उसको पहनाया। मनिहारिन गई सेठ जी की दुकान पे और कहा कि सेठ जी दाम, उन्होंने कहा हाँ भाई ले ले जरूर ले ले, बोले आज चार का दाम लूंगी। बोले क्यों, मेरे यहाँ तो चौथा कोई चूड़ी पहनने वाला ही नहीं है। बोले मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, चार लोगों ने चूड़ी पहनी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरे को दाम तब दूंगा जब पहले घर पे पता करूंगा। शाम को वो सेठ घर पे गया, घर पे जाने के बाद पूछा उनकी बच्चों की पत्नियों से कि भैया आज चूड़ी पहनी। उन्होंने कहा हाँ पहनी। तो कहा कितने ने पहनी, बोले तीन ने ही पहनी। अच्छा, तो सेठ जी ने फिर प्रसाद पाया, फिर सो गए। सपने में साक्षात श्री राधा रानी दिखी उन्हें, सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी, बोली अरे तनया बनायो तात नात ना निभायो है। एकदम से सेठ जी को बोली कि पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया पर नाता नहीं निभा सके। एकदम से सेठ चौंक करके उठा, पूछा बेटी क्या बात हो गई। तो राधा रानी ने कहा चूड़ी पहन लीनी मैंने, जानी पितु गेह काले, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। अरे अपने पिता का घर समझ करके मैंने चूड़ी पहन ली और आपने मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया। एकदम से सेठ हतप्रभ हो गया, कांपने लग गया, बेटी मुझसे गलती हो गई। राधा रानी बोली तीन बहु याद किंतु
बहुएं तो याद रह गई, बेटी को भूल गए। तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है। रोने लग गई राधा रानी, कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय। अरे आज चार चूड़ी काल मोही बिसरायो है, आज चार चूड़ी भूल गया, चौथी व्यक्ति की चूड़ी भूल गई, कल तो मुझे आप बिसराई, कल तो परमानेंट भूल जाओगे। एकदम से धूल, एकदम से उठा, उठ करके सुबह नहाया, स्नान किया सेठ जी, कपड़े पहने और भागा मनिहारिन के घर की तरफ। जैसे ही भागा, सामने मनिहारिन खड़ी थी और जाकर के सेठ जी चरणों में पड़ गया। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे वाह मनिहारिन, तेरा क्या सौभाग्य है, जिस हाथ को पकड़ने के लिए, जिस हाथ की छत्र छाया पाने के लिए, जिस हाथ का आशीष पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा और शंकर कतारों में लग जाते हैं, बड़े बड़े शुभ सनकादिक नारद भृगु अंगिरा मेधातिथि देव ऋषि चवन अचित पलायन भरद्वाज अष्टनेमी, बड़े बड़े अन्य अन्य प्रकार के ब्रह्म ऋषि राज ऋषि वेद ऋषि मनीषी, बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र, जिस हाथ की छाया पाने के लिए कतारों में लग जाते हैं, उसको पकड़ करके तूने उसमें चूड़ी पहनाई, तेरा सौभाग्य कैसा है, अद्भुत सौभाग्य है मनिहारिन, ले ले तेरे पैसे ले ले। वो चौंकी, उसने क्या बात हो गई। जब सेठ जी ने बताया तो मनिहारिन गदगद हो गई, और जैसे ही सेठ जी पैसे देने लगे, मनिहारिन ने कहा नहीं अब नहीं लूंगी। अरे जब मोहि मिलियो अमोल धन, तो अब काहे को मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्रीराधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मनिहारिन बोली अब जब साक्षात अमूल्य वस्तु श्री राधा रानी श्री जी श्री कराह भगवती भागीरथी जिनके चरणों से प्रस्तुत होकर के पवित्रता का अनुभव करती हैं, ऐसी साक्षात भगवती स्वरूप राधा रानी प्रकट होकर के जब मैंने उनको हाथ में चूड़ियां पहना दी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरा, अब क्या मोल लो। ये सच्ची घटना है बरसाने की, ये कोई बनाई बनाई घटना नहीं है, ये रियल स्टोरी, दिस इज द रियल स्टोरी, ये सच्ची घटना है। आप लोग, हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं, श्री राधा रानी का बस आश्रय, उनके नाम का आश्रय लेते रहिए, महाराज जी के चरणारविंदों में बार बार अपनी उपस्थिति लगाते रहिए, सबका कल्याण होवे, सबका मंगल होवे, श्री भगवान के चरणों में यही कोटिश प्रार्थना है। सभी को श्री महाराज जी के समक्ष और सभी को मैं कोटिश प्रणाम करता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर प्रभु जी कुताए बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ देखो, अब लोग चाहते हो आपका बच्चे ऐसे बने, कौन चाहते हैं आपका बच्चे ऐसे बने, हाथ खोल तो हाथ उठा। हाँ, लेकिन तभी बच्चे ऐसे बन सकते हैं, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश हो। जब तक संतों की संग नहीं हो, बच्चे ऐसे नहीं बनते। आपको पता होगा बच्चे भी कैसे बनते हैं, आपको पता होगा पिता माता की बात नहीं सुनते हैं, अपना मनमर्जी चलती है, उल्टा पुल्टा खाते पीते घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान की भजन नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन जब संतों का संग हो, संतों की कृपा हो ना, तब बच्चे आपको इतने अच्छे बच्चे मिलेंगे। हैं अभी अभी हाँ, ये अपना दादाजी की सेवा में था, दादाजी की सेवा कर रहा था, फ्रेंड को मैंने बुलाया, बहुत कष्ट से दादाजी को समझा बुझा करके, अभी अंतिम समय में दादाजी अभी चल नहीं पाते हैं, उनका सारे सेवा ये बच्चा करता है, सारे बच्चा, उनको पैखाने लेना, पेशाब करवाना, खिलाना पिलाना, सब कुछ अपना हाथों से दादाजी का करता है, क्योंकि वो भक्ति करता है ना। भक्ति करने वाले जो बच्चे है ना, तभी पिता माता की ऋणी समझ सकते हैं, पिता माता हमें कितने कष्ट करके जन्म दिया, पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए। अगर अच्छी संस्कार नहीं डालोगे ना,
जिंदगी भर पिता माता सेवा करेंगे, लेकिन घर में जब एक बहू आ जाए, एक रात में ऐसे एक मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का एक बुद्धि बदलता हुआ दिखता है, फिर पिता माता का मंत्र काम नहीं करता है। मैया जो गर्भ में 9 महीना तक धारण की, प्रसव पीड़ा को सहन की, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को खिलाई, गिल्ली में सो करके उन्होंने बच्चे को सूखे में सुलाई, कितना कष्ट लिखाया बढ़ाया है, इसका ऋणी बच्चा कब समझेगा? तभी समझेगा जब वो संतों की संग मिलेगा, तब संत लोग समझाएंगे भैया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो अगर सत्संग नहीं मिलेगा ना, बच्चा उतर देगा, तुम लोग ना अपना आनंद लिया, हमने जन्म ले लिया, तुमने क्या किया, वो नहीं समझते। इसलिए अगर आप चाहते हो बुढ़ापा का लट्ठी बच्चा बने, संतों का संग करो, हरि कथा सुनाओ, सत्संग करो, तो बच्चे संस्कारी बनेंगे और हमारी पिता माता की भी वृद्धावस्था में सेवा करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसलिए आप लोग पास में आए हैं, ये संवाद देने के लिए, अपना हर घर घर को भगवान की मंदिरी बना दो, ठाकुर जी की मंदिरी बनाओ, जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति होना, वो घर नहीं वही गोलोक वृंदावन है, वही गोलोक वृंदावन, ठीक है ना। हाँ, भालो वचन सुन, राधा रानी भालो वचन सुन, एक भजन सुन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इनो हरिओ रति सावती, नो मन रहो समय, जो महर दिल बात पे मलिन थी न जाए, कि प्यारे मेरे महना बंसी में एक बजाए, तेरी बंसी मन हरो घर अंगना कि चलो सखी कहा जाइए, जहां बसे बदराग, अरे गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। तो आइए वृंदावन को लोग जाएंगे, बस अच्छा आगे कुछ लोग नहीं जाना चाहते, हाथ नहीं उठाए, अच्छा देखिए अब कुछ देर बाद तो रसगुल्ले की कथा है, वृंदावन जाना आवश्यक है, शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से, यानी कि मन के द्वारा। अच्छा कोई पैसा नहीं लगा, कौन कौन जाएंगे? हाँ आप लग रहा है कि सब लोग जाएंगे, तो आइए वृंदावन में क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? अच्छा कोई कोई बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे, अरे बोलो क्या बोलते हैं? हाँ नहीं जोड़ते हैं, हाँ अच्छा देखिए बिना राधा के शाम जो है आधा आधा है, आधा है कि नहीं? हाँ तो इसलिए कहते हैं कि राधा के बिना शाम आधा, कहते राधे श्याम, अरे जन्म जन्म की भाग जगा दे एक राधा का नाम। तो इसलिए वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे, वहां तो सब लोग राधे राधे, बंदर भी राधे राधे, मोर भी राधे राधे, और तोता भी राधे राधे, गैया भी राधे राधे। तो आइए वृंदावन सब लोग चलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद रसगुल्ले की कथा है, जिधर से सुना उधर मीठा है, यानी कि रसगुल्ले की कथा, रसगुल्ले जैसे जहां से शुरू करो वही मीठा है। तो थोड़ी देर बाद जब कन्हैया का जन्म हो जाएगा तो जहां से सुनो वही मीठी कथा है, इसलिए आइए सभी लोग चलेंगे वृंदावन।
सावरिया जब लगते हैं क्या होता है बंसी बजती है बजेगी बांसुरिया तो ये मनुष्य जन्म जो है ये अनमोल है मनुष्य जन्म अनमोल है तुम्हारे राज्य में तुम्हारे राज्य में लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही शर्म करते हैं लग रहा है किंतु कीर्तन में शर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान के सामने नाचना भगवान के लिए माला बनाना और भगवान के लिए ताली बजाना ये सब भक्ति का अंग है सब प्रकार भक्ति के अंग बताया गया है इसलिए कीर्तन में नाचने के लिए शर्म मत करना महाराज ने बताया था ना कि इस जन्म में जो कीर्तन में नहीं नाचेंगे वो अगले जन्म में क्या होगा पेड़ बनेगा और इस जन्म में जो कीर्तन नहीं बोलेंगे मुंह अगले जन्म में क्या बोलेंगे भूखा और इस जन्म में जो कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा टोटो हाथ नहीं होंगे इसलिए सभी लोग ताली बजाकर
कीर्तन करें और नाच सके जो आएंगे नाच सके Yeah.
लौट रही है और पीछे ऐसे बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठने से निद्रा देवी आक्रमण करेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों हाथ एक बार उठा कर क्या बोलना है, दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग सभी उठाइए, हाथ उठाकर क्या बोलना है, जोर से राधे राधे। पीछे से ऐसी आवाज आ रही है जैसे दो चार दिन भोजन नहीं किया है। नहीं जोर से, हाँ देखिए आवाज बढ़ गई है, इसके मतलब पहले बदमुशी बन रहे थे, कितनी आवाज बढ़ गई है। अब और जोर से देखो, हाँ आग लग रहे हैं कि कथा चल रही है। तो सभी लोग एक बार हाथ उठाए ऊपर, हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण। जो जो बामन भगवान को बनाते हैं, बनाया कि नहीं देख लो, तो बामन भगवान बनाया है ना, बना कर रखो, जब मैं बुलाऊंगा ले आओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने नरक का उन्होंने वर्णना किया है। बोले देखो परीक्षित, जो जैसे जैसे कर्म करते हैं वो कर्म अनुरूप जीव को फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, कहते मरने का बाद लोहे गला करके उसको मुंह में डालते हैं। बोले भगवान तुमको मुंह दिया था प्रभु का नाम जप करने के लिए, ये गंदी चीज पीने के लिए नहीं दिया था। इसलिए शादी विवाह में ये शराब नहीं पिलानी चाहिए, पीनी भी नहीं चाहिए। पीना जितना पाप, पिलाना भी उतना ही पाप है। भले ही कोई नहीं आए हैं, भले ही कोई नहीं आए, लेकिन ये गंदा काम मत किया करो। ये पंचम स्कंध को आप खुद पढ़ करके देख लेना, कितने दंड भोगना पड़ता है जो शराब पीते हैं। जो इसी हाथ में हेरे फेरे करते हैं उसको हाथ काट देते हैं। जो व्यक्ति इन्हीं आंखों में गंदी गंदी मूवी देखते हैं उसको आंख निकाल दिया जाती है। वहां पर जो मांस खाते हैं उसको जिंदा जिंदा करत में काटते हैं और खोलते हुए तेल में उसको, जैसे पकौड़ा भाजते हैं ना, भूनते हैं, ऐसे उसको गर्म तेल में छोंक देते हैं। उन्होंने 84 नरक की वर्णना की। अभी ये वर्णना सुन करके अभी तो परीक्षित महाराज कांप उठे। बोले इससे मुक्ति होने का कोई उपाय है कि नहीं? बोले उपाय है। जैसे आप बुरे कर्म करते हो, शास्त्र में प्रायश्चित का नाम भी बताया,
अगर ये पाप करता हो ये पुण्य करो, फिर आपको पाप से निष्कृति हो जाएगी। लेकिन इसको सुन करके परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए, बोले क्यों? बोले जैसे आप पाप से पैसे कमाओ, फिर क्या करते हैं, जा करके थोड़ी मंदिर में, नहीं तो किसी गरीब लोग को थोड़ी बहुत दान दे देते हैं, फिर दान दे करके हम मुक्त हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन आकर फिर दो बार पाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से उसको नहा दो लो, लेकिन हाथी का एक स्वभाव है जब फिर उठता है पानी से पहले धूल ढूंढेगा, अगर धूल नहीं मिले ना प्यार में रोंद करके धूल बनाएगा और फर करके सारा शरीर में लगाएगा फिर जाएगा, ये हाथी के एक स्वभाव है। कहते उसी तरह जो प्रायश्चित ठीक वैसे ही पाप किया, थोड़ा दान पुण्य कर दिया, फिर दूसरे दिन दूसरे पाप है। बोले ऐसे कोई उपाय किया है जो करने से हृदय से ही ये पाप करने का इच्छा ही नहीं रह जाए, ऐसे कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बोले देखो, बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुष्णा सिक्राश्नेना निहार इव भास्कर। बोले भगवान के नाम अगर कोई जप करे, जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है, अगर कोई प्रभु का नाम जप करे ना, ये केवल प्रभु का नाम जप से ही हृदय से पाप करने का वृत्ति तो खत्म हो जाती है, करने की भावना ही नहीं रहती है। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे वाल्मीकि, पहले दशरथ नगर था, जब नारद बोले भैया राम बोलो, बोलो बोलो राम, लेकिन उससे मुंह से राम नाम नहीं निकला, लेकिन मरा मरा करते करते बोले वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। आप लोग रामायण देखे होंगे ना, राम आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख डाले, प्रभु का नाम में इतने शक्ति, तब उन्होंने कथा सुनाया। बोले कि सुंदर स्टोरी सुनो, बोले कन्याकुब्ज देश में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अजामिल, सारे सद्गुण संपन्न, पिता माता की सेवा करना, बड़ों का आदर देना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सारे सद्गुण संपन्न था। एक दिन उसने जंगल में कुछ यज्ञ के लिए कुछ फल मूल संग्रह करने के लिए गया, उसने देखा दो शूद्र और शूद्राणी दोनों शराब पी रखे और विवस्त्र होकर के मिल रहा है, अभी उसको देखते ही रह गया, आंख उसको वापस नहीं ला पाया और उसका हृदय में मानो ये फटो खिंच गई। लेकिन जब उसने घर में आया, पत्नी घर में है सुंदरी ब्राह्मणी कम उम्र की, लेकिन देखो अगर इन्हीं आंखों से गंदी चीज देखो तो कितना दुर्बुद्धि है, कितने दुर्बुद्धि। उसने अपना पत्नी पतिव्रता नारी को उसने त्याग दिया, फिर वही जो शूद्राणी को देखा था, फिर वो शूद्राणी को साथ में रहने लग गया और उससे 10 बच्चा उसने जन्म दिया और किसी तरह से सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रखा। इसलिए नियम है, ध्यान देकर सुना, हमें इन्हीं आंखों से गंदी गंदी मूवी नहीं देखनी चाहिए। इसलिए पहले देखना, सिनेमा तो आता था लेकिन रामायण कृष्ण लीला महाभारत पहले जो फिल्म होता था सबके सब शिक्षामूलक, ऐसे तैसे नहीं, लेकिन अभी जानते हो फिल्म क्या आता है, जितने उल्टा पुल्टा शरीर में तो जितना कपड़ा नहीं रहा है उतना बढ़िया समझते हैं, हैं? समझते हैं। देखो आप लोग रसिया नाम सुने होंगे, रसिया में लड़कियां वो सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जानते हो क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बोले हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, रसिया में लड़कियां सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा भारत लड़ रहे हैं हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, हम जीन्स क्यों नहीं पहने। आप वृंदावन जाओगे इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखना अंग्रेजी कैसे, अमेरिका लंदन फ्रांस स्त्रियां सर से ऊपर कभी कपड़ा नहीं उतारते, कितने सुंदर सुंदर साड़ी, गले में तुलसी की कंठी, तिलक माला जब करते हैं। विदेशी लोग अभी हमारी संस्कृत को ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग सोचते हैं शायद ये अंग्रेजी संस्कृति को ग्रहण करके ना हम सुखी शांति हो जाएंगे, उन लोगों को उसको नफरत होकर छोड़ रहे हैं और हमारा भारतीय व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए उसने
एक बार केवल गंदी चीज को देख लिया। अभी भारत में इतना डाइवोर्स होने का क्या कारण है? भारत में 50% अभी डाइवोर्स हो रहा है, 50% डाइवोर्स है भारत में। कारण है वो गंदी गंदी चीज को देखते हैं, फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये बहुत गंदी चीज। देखो आप लोग बुरा मत मानो, पहले क्या होता था जब लड़की छोटी होती थी ना, छोटी उम्र में शादी कर देते थे, भैया अपना पति घर में जाओ, अपना घर गृहस्थी को संभालो, ज्यादा लिखाई पढ़ाई नहीं कराते थे, थोड़ी सी गीता रामायण पढ़ ले, थोड़ी सी हिसाब करना सीख जाए, भले घर में रहो, पहले यही था ना। इसलिए ये डाइवोर्स फाइवर्स कुछ नहीं होता था, और अपना पति को घर में जिंदगी भर अत्यंत सुख को साथ में जिंदगी बिता देते। बड़े बूढ़ों को पूछो डाइवोर्स कोई सुना है? कोई डिवोर्स नाम का सुना? अभी जितने ज्यादा लिखे पढ़े हो रहे, जितने घर से ज्यादा निकल कर जा रहे बाहर, उतना ही गड़बड़ी, उतना ही गड़बड़ी। इसलिए पहले हमारी जो संस्कृति वो सही संस्कृति है। सीता गीता सावित्री जी, इन लोग ने जो आदर्श हमारे लिए दिखा कर गए, ये आदर्श सही है, आदर्श सही आदर्श है। इसलिए अभी एक बार उसने गंदी चीज को देखा, देख करके उसने पत्नी को त्याग दी, वेश्या को साथ में रहा, अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, सारे पाप कर्म उसने की, और किसी तरह से था तो हिंदू, किसी तरह से छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अभी बात बात में बेटा नारायण नारायण मेरे लिए पानी ले आ, नारायण तो कहां हो मेरे गोद में आ, जैसे बच्चे को बुलाते हैं दिन भर नारायण नारायण नारायण। अभी मृत्यु का समय आने पर हम जो पाप कर्म जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं। अभी अंतिम समय में 3 जमदूत लेने के लिए उसको लाए, उन्होंने बड़ा भयंकर रूप देखा, देख करके गले में काल फांस को लगाए, जब खींच रहे थे इतने में दूर में देखा उसको बेटा को खेलते हुए, इतने में अपना बेटे को कैसे बोल दिया, बोले बेटा नारायण नारायण, ये चार चेहरे, और एक तरफ से 3 जमदू, दूसरे तरफ में झट 4 विष्णु प्रकट हो गए, बोले मां भयो डर भय की कोई कारण नहीं हमें। अभी उसको जो बांध करके ले जा रहे थे ना, हठात उसको रोक दी। अब ये जमदूत विष्णु दूत में बड़े तर्क वितर्क होने लग गया, जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, विष्णु दूत कहते हैं हम ले जाएंगे। देखो ध्यान देकर सुनो, बड़ी अद्भुत बात है, क्यों बच्चों का नाम भगवत नाम क्यों धरानी चाहिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इतने में विष्णु दूत कहते भैया तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्मराज यम महाराज का दूत है, बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो, बोले अधर्म किया, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी छोटी उम्र की अच्छी थी लेकिन अपना पत्नी को त्याग दिया, एक वेश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, फिर उसने चोरी गुंडा गिरदी सब कुछ पाप कर्म किया बच्चों को पालन करने के लिए, इसलिए सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया कुछ पुण्य भी तो किया, बोले क्या पुण्य किया, बोले मुझे नारायण नाम लिया, बोले वाह जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोल दिया, हो गया। विष्णु तो कहते हैं मूर्खों तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान का जो नाम है भगवान से भी बढ़कर के ठाकुर का नाम। वो उदाहरण देते हैं जैसे भूस भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, उसमें आग की एक चिंगारी पड़ी जाए देखना सब जला करके राख बना देता है,
बोले भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हैं? भगवान राम को तो लंका जाने के लिए पुल बांधने का जरूरत पड़ा, लेकिन हनुमान जी एक बार श्री राम बोला उन्होंने पूरा समुद्र को पार कर लिया, पूरा समुद्र को उसने पार कर लिया। इसलिए भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, हैं? इतने में फिर जमदूत कहते हैं, बोले भगवान को बुलाया था, वो तो अपने बेटे को बुलाया, वो भगवान को थोड़ी बुलाया था, उसने बेटे को बुलाया था। तो विष्णु तो कहते देखो जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में सारे पाप से मुक्त हो गया, लेकिन जो बेटा को बारंबार नारायण 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 बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, उसका माला जप करना हो गया, लेकिन उसने जब अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा सोहम हेलन नबेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदु। बोले पहला नंबर है सांकेत्यम। बोले सांकेत्यम का मतलब क्या? बोले इस तरह करके जैसे बेटे का नाम नारायण रख लिया, कृष्ण रख लिया, गोविंद रख लिया, अब बारंबार बच्चे को बुला रहे हो, बोले इसमें भी कल्याण है। इसलिए देखना आप जितने बड़े बूढ़ों को नाम पूछो, सब जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, कृष्ण गोविंद राम भरत लक्ष्मण ये होगा, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू टिंकी, ये विदेश में जितने कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवाते। बोले अरे सब पुराना नाम था भगवान कृष्ण गोविंद, हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, इसलिए हम भगवान का नाम रखने से हमारा उद्धार हो जाएगा ना, भगवान का नाम कैसे ले लेंगे, इतना अच्छा काम कैसे करेंगे, इसलिए कुत्तों का नाम नाम धरवाते हैं बच्चों का। आप लोग वृंदावन में जाना इस्कॉन मंदिर में पूछना, वो अंग्रेजी लड़के हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका छोटे छोटे बच्चे देखना, नाम जाकर पूछना, इधर उधर नाम नहीं रखते हैं, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश, सब बच्चों का नाम ठाकुर का नाम, हम तो हालो हालो कहते, वो हालो नहीं बोलेंगे, वो हरे कृष्ण बोलेंगे, राधे राधे, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, वो अंग्रेजी लोग होकर हमारी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर का नाम जितना बार कम से कम मुंह से निकलेगा अपना जीवा कल्याण हुआ। जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा घर का कल्याण, बच्चा बारंबार ठाकुर का नाम कान में पड़ेगा बच्चे का भी कल्याण है। इसलिए जो बोलेगा उसका एक मंगल मंगल है। इसलिए आप लोग कोशिश करना है बच्चों को कुत्तों का नाम नहीं धरवा करके ठाकुर का नाम को धरवाओ, हैं? ठाकुर का नाम धरवाओ, कम से कम बच्चे को तो नाम बुलाओगे कम से कम इतना तो ठाकुर का नाम निकल जाए, इससे ही तो उद्धार हो जाएगा ना। इसलिए बोले सांकेत्यम। दूसरा नंबर बताया पारिहास्यम। पारिहास्यम का मतलब होता है अगर हंसी दिलग करते करते हरे कृष्ण बोलने से क्या होता है, राम राम बोलने से क्या होता है, अगर ऐसे भी ठाकुर का नाम निकल गया ना, बस इसमें भी कल्याण हो जाएगा, इसमें भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए पुराण में एक कथा आती है, बोले एक समय एक घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो आस्तिक और एक भाई नास्तिक। आस्तिक नास्तिक समझते हो, एक भाई तो ठाकुर को मानता दूसरा मानता नहीं। अभी जो मानता है, एक दिन उसने अपना गुरु जी को घर में बुलाया, बोले गुरु जी थोड़ा घर में आओ, हमारा जो छोटा भाई भक्ति भक्ति करता नहीं, अब उसको भी भक्ति के बारे में कुछ समझाओ, अगर दोनों अगर भक्ति करेंगे तो एक साथ में कीर्तन भजन पूजा सत्संग अच्छा होगा। तब गुरु जी का जो बुलाया उसको पता चला, उसने अपना गुरु जी को अपना घर में बुलाया, वो गुरु जी मेरे को समझाना चाहते हैं। जब देखा गुरु जी आया ना, उसने क्या किया, वो बाथरूम को अंदर में गया और अंदर से कुंडी बंद कर दिया, बोले मेरे को सत्संग में बैठना नहीं, हमें क्या गुरु जी समझाएंगे। अभी गुरु जी आए, सत्संग किया, कीर्तन किया, लेकिन जिसकी वजह से आए थे वो आया ही नहीं। गुरु जी जाते समय दरवाजा खटखटा गया, बोले बेटा एक बार दरवाजा खोलो, बोले गुरु जी दरवाजा में नहीं खोलता, बोले बेटा एक बार खोल तो दे। बड़े कष्ट से उसने एक बार दरवाजा खोला, खोलते गुरु जी हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार तो कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। उसने बोल दिया मैं कृष्ण नहीं बोलता, मैं कृष्ण नहीं बोलता, बोले बेटा कृष्ण बोल दिया, इसलिए तेरे उधार ही हो गया, लेकिन एक काम करियो,
बोले किया, बोले ये कृष्ण नाम को बेचना नहीं, और ये एक कृष्ण नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी। बोले ठीक है गुरु जी। अभी मरने का बाद जमदूत लेकर गए, बोले इसका कापी खोलो, बोले इसने तो सारे पाप किया, लेकिन एक बार उसने घर में गुरु जी आए थे, गुरु जी किसी मुंह से सुनकर के एक बार कृष्ण बोला, और गुरु जी ने कहा देख बेटा ये एक कृष्ण नाम तेरे को मुक्ति दिलाएगा, इतना केवल पुण्य और कोई पुण्य नहीं। तब जब महाराज पूछे ये बताओ पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, बोले भैया नरक तो जाना ही है, मैंने सुना पुण्य बहुत अच्छा काम है, और गुरु जी ने कहा था एक कृष्ण नाम से मुक्ति मिलेगी, बोले भैया मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे। अभी जब महाराज भागवत को ढूंढे, भागवत ढूंढते ढूंढते भागवत में एक श्लोक मिला, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम। ये श्लोक में कह रहे हैं भगवान का जो नाम है वो मधुर से भी मधुर है, और मंगल से भी मंगल ठाकुर का नाम है। सकृत मतलब होता है एक बार, श्रद्धा नहीं तो हेला पूर्वक, अगर कोई एक बार ठाकुर का नाम ले तो अशेष अगहरम विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को नष्ट कर देता है। अभी जब महाराज चिंता में पड़ गए, इसने तो गुरु जी की मुंह से सुने, और गुरु जी ने भी ये बात बताया अगर नहीं बेचोगे तुमको भगवत प्राप्ति होगी, और ये शास्त्र कहता है भगवान का नाम अगर किसी तरह से मुंह से निकल गया तो जन्म जन्मांतर का पाप को नष्ट कर देता है। अभी ब्रह्मा अभी जब महाराज का दिमाग काम नहीं किया, इसको दे तो दे किया, वो कहता है एक कृष्ण नाम का फल मेरे को दो। बोले भैया इसका महिमा तो मैं नहीं बता सकता हूं, बोले एक काम करो चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। अभी ब्रह्मा जी को जब पास में गए, ब्रह्मा जी ये बोले देखो चल करके जाना पड़ेगा, बोले चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मगाओ, पालकी में बैठा करके ले चलो। अभी तो बीच में फंस गए, एक तरफ में जम दूसरे तरफ में चित्रगुप्त, और ये पापी को बैठा है ब्रह्म लोग ले चले। ब्रह्मा दूर से देखा ये जम और चित्रगुप्त कोई एक पुण्यात्मा को लेकर के आ रहे हैं ब्रह्म लोग में, वो समझ गए जरूर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, और उनको आरती उतारने के लिए उन्होंने थाली में धूप दीप फूल लेकर के वहां पर बैठे। जब वहां पर बैठे तब ब्रह्मा बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है, बोले भैया ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा है, बोले फिर आप लोग कंधे में क्यों लाए हो, बोले उन्होंने गुरु जी की मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना, वो कहता है एक कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे वेद पुराण को ढूंढे, हर शास्त्र में एक ही बात बताए हरि से बड़ा हरि का नाम है, हम तो विचार नहीं कर पाए आप ही बताओ। फिर ब्रह्मा जी सारे ग्रंथ वेद पुराण उन्होंने भी ढूंढे, उनको भी श्लोक मिला, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये श्लोक में कहते हैं अभिनत्वात नाम नामिना, भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं। अभी ब्रह्मा जी का भी दिमाग काम नहीं किया, बोले भैया चलो शंकर जी को पास में चलते हैं, उनका पांच सर शंकर जी बताएंगे। इन्होंने बोले भैया चल करके नहीं पालकी में ले जाना पड़ेगा, ब्रह्मा भी कंधे लगाए। जब शंकर जी पार्वती दूर से देखा ब्रह्मा चित्रगुप्त और जम किसको ला रहे हैं, वो भी आरती का थाला लेकर खड़े हुए, बोले इनको स्वागत करेंगे, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा है, वो कहता है एक कृष्ण नाम का फल दो, हर शास्त्र में बताया हरि से बड़ा हरि का नाम, शंकर जी आप ही बताओ। शंकर भी सारे ग्रंथों को ढूंढे, वहां पर बताए एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, पापी का इतना हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता, शंकर भी सही सही विचार नहीं दे पाए। बोले भैया जिनका नाम उनको पास में चलो वही बताएंगे। अभी ले चले गोलोक वृंदावन कृष्ण को पास में, वो बोले चल करके नहीं कंधे लगाना पड़ेगा, शंकर भी कंधे लगा। जब वहां पर पहुंचे वैकुंठ में, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, बोले इसको फिर लेकर क्यों आए, बोले किसी साधु से कृष्ण नाम आपका नाम सुना, उसने कहा था मुक्ति मिलेगी, वो कह रहे इसका फल दो, हम तो जितने वेद पुराण को पढ़ लिया हर शास्त्र में कहते हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु आप ही बताओ आपका नाम में कितने शक्ति, बोले उसको ले आओ।
जब लाए भगवान उसको अपना गोद में बैठा दिया, बोले प्रभु बताओ ना क्या ना काम, इसका क्या फल है? बोले इसका ये फल है, जिसको स्वयं चित्रगुप्त, जिसको स्वयं यम महाराज, जिसको स्वयं ब्रह्मा शंकर भी, उसको कंधे पर लेकर के मेरे धाम को ले आना पड़ता है और एक दिन मेरे गोद में उसको स्थान मिलता है। अगर किसी सदगुरु से एक नाम सुन करके अगर एक बार ठाकुर का नाम ले, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, जय श्री राधे। देखो ये कथा से ये शिक्षा मिलती है, कम से कम बच्चों का नाम ठाकुर का नाम धरा दो। किसका नाम धरवाओगे? किसका नाम धरवाओगे? इधर इधर उधर नाम का नहीं धरवाना, ठीक है ना? कम से कम कथा से एक शिक्षा तो लेकर के जाओ, कम से कम बच्चों का नाम तो ठाकुर का नाम धराओ। इसलिए अभी जमदूतों को विष्णु दूतों ने वहां से भगा दिए। जमदूत जम महाराज के पास में गए, बोले आपकी नौकरी हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले एक बहुत बड़ा पापी था, उसको लेने के लिए गए तो उसने एक बार केवल नारायण का नाम लिया, ये विष्णु दूतों ने हमको मार मार कर भगा दिया, भैया आपका नौकरी भोगरी हम कुछ नहीं करेंगे, ये अस्त्र शस्त्र लो अपना पास ही रखो। तब श्री जम महाराज कहते देखो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको पास में मत जाया करो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बोले प्रभु किसकी शरीर में तो लिखा हुआ होता ही नहीं, कौन भक्ति करता नहीं करता। आप एक चार्ट बना दो, हमें एक चार्ट बना करके दे दो किसको लाना और किसको नहीं लाना। देखो जब महाराज चार्ट बना रहे हैं, आप लोग ध्यान करके सुनो, आपको पास में ऐसे कौन सा चीज हो जो आप कभी जमपुर नहीं जाओ। देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। इसमें बताए अगर आपके पास में तीन लक्षण होगा ना आप कभी जमपुर नहीं जाओगे। बोले तीन लक्षण क्या है? अभी ये प्रभु जी बता रहे थे ना, जरूर गले में तुलसी की कंठी हो, गले में क्या होनी चाहिए? तुलसी की माला होनी चाहिए। देखो ये सब साइंस ही है, इसको मत समझो अरे ये केवल मन की भावना गले में कंठी पहन लिया। देखो आप लोग इसको का नाम सुने होंगे जिसने विदेश में हमारी सनातन धर्म को प्रचार किया, जब वो बड़े गुरुजी अमेरिका गए, अमेरिका में बोले भैया गले में तुलसी कंठी पहनो। बोले ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में पहनने के लिए सोना चांदी, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? तो उन्होंने हमारे वेदों से पुराण से उपनिषद से उनने श्लोक को उठा उठा करके बताया, देखो ये तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है। तो अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, भैया ये हिंदू लोग गले में लकड़ी क्यों पहनते हैं? ये हिंदू लोग गले में ये लकड़ी तुलसी माला क्यों पहनते हैं? उन लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा कहीं मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, ये तुलसी वृक्ष में। आज अगर आप जाओगे मेडिसिन शॉप में जाना, एक दवा ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर, आप बोलना पूछना है इतना बड़ा आपको शीशी मिलेगा, इतना बड़ा पेपर मिलेगा, उसको पढ़ करके मेरे को कल बताना उसमें क्या लिखा हुआ। बोले ऐसे कोई बीमारी नहीं जो कि ये तुलसी वृक्ष से सही नहीं होता। आप पतंजलि में जाना वहां पर भी देखोगे राम बाबा दुकान उस बोतल में देखोगे तुलसी जूस बिकता है और उसमें लिखा हुआ कौन सा बीमारी सही होता है। कहते अगर रोज रोज दो तुलसी पत्ता खाएगा ना कभी जिंदगी में टीबी कैंसर आपको नहीं होगा, अगर दो दो तुलसी पत्ता अगर रोज रोज सेवन करोगे। जो कैंसर है जिसका कोई आंसर नहीं, हमने देखा ये कैंसर बीमारी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया सही नहीं हो सकता है, उसने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, उसने बोले तुलसी पत्ते को सेवन कर, तुलसी पत्ते का जूस पियो, उसी से ये कैंसर सही हुआ। अब उस पेपर को पढ़ना, उसमें 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी पौधा से सही नहीं होता। इसलिए हमारा जो भारतीय संस्कृति है, पहले हर घर घर में तुलसी होता था, घर घर में तुलसी पूजा, तुलसी सेवा परिक्रमा, उसका आरती उतारना हमारे घर में होती है ना, ये सबके सब ऋषि मुनियों ने जो विधान देकर गए ना वो सबके सब साइंस, ऐसे नहीं।
आप लोग हिंदू है, आपको पता होगा ये सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है कि नहीं। तुलसी कौन? लक्ष्मी। अगर गले में तुलसी कंठी का मतलब क्या हो गया? माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। कौन आ गए? माँ लक्ष्मी निवास हो गया। और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप कहाँ रह कर गए? बोले तुलसी पौधा। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले बांट के भी आए। बोले क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बना मतलब जहां तुलसी का बन वहीं बांके बिहारी। अगर गले में तुलसी कंठी मतलब क्या हो गया बताओ? बांके बिहारी और लक्ष्मी दोनों का निवास हो गया। हाँ देखो इसका तीसरा कारण सुनो, इसमें क्या साइंस है, हम इसको गले में क्यों पहनते हैं? अच्छे तरह से समझो, इसमें एक बहुत बड़ा साइंस है। इसको हम कंठी क्यों कहते हैं, इसको गले में क्यों पहनते हैं? कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है। अगर किसी व्यक्ति को मारना है ना, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला दबा दो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब अंदर में कोई गंदी चीज प्रवेश करती कंठ से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं? अब देखना ताबीज कहाँ पहनाते हैं? उसको गले में पहनाते हैं। क्रिश्चियन देखो, मुसलमान देखो, वो क्रॉस पहनते हैं, कोई काला धागा गले में धारण करते हैं ना। इसलिए सोने का चांदी कहाँ पहनते? गले में ही धारण करते हैं। अगर गले में ये तुलसी कंठी हो ना, इसमें हर तरह का मेडिसिन है, कोई भी गंदी चीज आएगा तो वो आपका अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। ये तुलसी में लक्ष्मी नारायण और सारे मेडिसिन है तुलसी को अंदर में, आपको हर समय ये रक्षा करेगा। एक तरह का तुलसी ये कवच का काम करता है तुलसी है। हाँ देखो, जब महाराज ने दूतों को बोले देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के कुत्ते होते हैं? दो तरह के, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। आप देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, आप देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए अगर हमारी घर में तुलसी कंठी है ना, हम किसके पालतू? बांके बिहारी जी। किसके पालतू हो गए? बांके बिहारी जी के पालतू है। इसलिए हर समय बांके बिहारी हमें रक्षा करेंगे। अगर गले में कंठी नहीं तो हम क्या, कौन सा क्या हो गए बोलो? क्या हो गए बोलो? जोर से बोलो। हाँ, इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, हमें भगवान की पालतू बननी चाहिए। देखो जो अंग्रेजी लोग है ना, हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो सनातन धर्म में हमारी जन्म है, हमारे तो विश्वास है। अंग्रेजी लोग ऐसे कोई चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। अब वृंदावन में जाकर के देख लेना, इतने मोटे मोटे तुलसी काट काट कर गले में धारण करते हैं, इसमें इतने मेडिसिन है उसके अंदर में। आप देखो ठाकुर को जो कुछ दो, जब तक तुलसी दल नहीं देते हैं ना, ठाकुर ग्रहण ही नहीं करते हैं। कहते उसी तरह जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते पंच रचित तो ये अधम शरीर, इसमें टाटी पेशाब खून पीकर और कुछ है ही नहीं। आप देखो सवेरे उठो, मुंह से भी बदबू, कान से भी बदबू, आंखों से भी बदबू, बदबू ही बदबू निकलती है और कुछ नहीं। नीचे से तो बदबू बदबू निकलती है, ये अधम शरीर है, लेकिन गले में जब हम तुलसी कंठी धारण कर लेते हैं ये शरीर पवित्र हो जाता है, ये ठाकुर जी की समर्पित हो जाता है। कोई वाणी बोले ना, मुंह से शुद्ध निकलेगा, अंदर में जाएगा तो कोई चीज पवित्र होकर के जाएगा। इसकी बड़ी साइंटिफिकल रीजन है, इसलिए कहते गले में तुलसी कंठी और तिलक होनी चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे ना, आप लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे कोई काम में जा रहे हैं बिजनेस में, हम क्या करते हैं? तिलक लगा कर बैठते, बेटा जाओ विजय, वही विजय प्राप्ति हो, तिलक विजय का लक्षण है। जैसे घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा पूजा कराया कि नहीं, क्योंकि तिलक के बगैर सारे पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए आप भगवान की कृष्ण को देखो तिलक लगाए कि नहीं, कहीं राम का पिक्चर होगा भगवान ने राम को देखना तिलक, नारायण को देखोगे आधा मुंह तो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, 33 करोड़ देवता में कोई भी एक देवता को देखो बगैर तिलक के भगवान भी, कोई देवता भी बगैर तिलक के नहीं। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, ये गोपियों की चरण धूलि द्वारका से आता है, ये पवित्र रज है। नारद जी इसको वृंदावन से द्वारका लेकर गए थे, कृष्ण स्वयं स्नान किया वहां से, ये जो मिट्टी है ना वो जहां तहां नहीं मिलती है, वो द्वारका से आता है तिलक।
तिलक की बड़ी महत्व, जो तिलक है ना ऐसे फोटा लगा दिया, नहीं, तिलक कैसे लगानी चाहिए, जैसे भगवान राम लगाया, जैसे हनुमान जी को तिलक देखो, जैसे कृष्ण का तिलक देखो, ऊर्ध्व पुंड्र, ऊर्ध्व पुंड्र मतलब होता है हमें जो भगवान तक ले जाए, इसलिए उसको ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ये तिलक ऊपर होनी चाहिए। अब हनुमान जी का तिलक देखना ऐसे तिलक, राम का तिलक देखो, नारायण का तिलक खड़ा तिलक देखो, नियम है तिलक ऊपर जानी चाहिए, मतलब जो भगवान तक ले जाए। पहले अपना पूर्वजों को देख लो, अब अपना पिताजी को देख लो, घर में देखना, घर में सबसे पहले स्नान करके ठाकुर को पूजा सेवा करते थे, ठाकुर को तिलक लगाते थे, वही तिलक पहले घर लगाते थे, लगाते कि नहीं बोलो, आपको पिताजी के, पिताजी के देखो, माताजी को देखो, सबके सब तिलक लगाते, इसलिए ये तिलक कंठ की बड़ी महत्व है। अगर ये चीज रहेगा ना, कभी जमदूत हमें छुएंगे नहीं, समझ जाएंगे भैया ये फालतू नहीं, ये पालतू है ठाकुर जी की, ये पालतू है, ये दूर से प्रणाम करेंगे। अगर कोई पाप कर्म करे, इसको जम नहीं विचार करेगा, इसको बांके बिहारी विचार करेंगे, ठाकुर जी विचार करेंगे, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोगों बोलो, मैं सुनूंगा, देखो, इसलिए आपको बीच बीच में हरि नाम कराता हूँ, जैसे एक बार हरि नाम करेंगे ना, कितने भक्त बैठे होते, सबका गले का आवाज सभी को पास में जाता है, नाम तो एक बार किया लेकिन पांच नाम करने का फल मिलेगा। और जहां पर ठाकुर का नाम उच्चारण हो, जितने दूर तक ये नाम की ध्वनि जाता है, जितने सारे पाप है, दुख दारिद्र कष्ट को ये सब समाप्त कर देता है, क्योंकि ठाकुर का नाम मंगल भवन अमंगल हरि। जहां पर ठाकुर का नाम हो, भूत पिशाच डाकिन साकिन दुख कष्ट वहां रह ही नहीं सकती है। इसलिए आपको द्वारा मैं बारंबार प्रभु का नाम जप करवाता हूं, तैयारी है ना, ठीक, दो मिनट में ला लो। हाँ देखो, अभी ठाकुर, अभी बामन भगवान आएंगे, फिर कृतकन्या आएंगे। देखो आज तो कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, कल श्री किशोरी जी की जन्म होगी, राधा रानी की जन्म होगी, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु श्री राधा रानी, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। इसलिए आज हम लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन कर गए भैया, कौन सा रंग के साड़ी पहन कर गए, पीला रंग की ना, हाँ, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहनना, क्योंकि जो गुलाबी रंग है ये प्रेम का रंग है। देखो हमारी जो रंग है ना गुलाबी रंग है, राधा रानी के जो चुंदरी वो गुलाबी रंग की है, बोले क्यों, कहते जो गुलाब रंग है, कहते आज बिरज में होली रसिया, एक दूसरे को ऊपर रंग फेंकते ना, वो गुलाल रंग, वो गुलाल रंग, वो गुलाल रंग क्या, बोले अनुराग, ये प्रेम का रंग है। इसलिए गुलाल रंग मतलब है राधा रानी का जो चुंदरी का रंग गुलाल, मतलब है वो कृष्ण की अनुराग में, कृष्ण प्रेम रंग में वो रंगी है। इसलिए जो संत लोग ये रंग क्यों पहनते हैं, ये प्रेम का रंग है, मानो ठाकुर जी के रंग में हम अपना शरीर को रंगाए। इसलिए कल कौन सा रंग के साड़ी पहन कर गाओगे, बोलो जोर से, हाँ गुलाबी रंग के साड़ी पहन कर, और भैया लोग क्या पहन कर गाओगे, हाँ कोशिश करना कम से कम है कुर्ता और पायजामा, कुर्ता अगर सफेद रंग के हो पहन करके आना, क्योंकि ठाकुर जी केवल भाव को ग्रहण करते हैं, भगवान भाव ग्राही जी नहीं जनार्दन है, ठीक है। बोले श्रीमती राधा रानी की, अभी श्री भगवान वामन देव, उसको बाद में फिर कृष्ण आएंगे, ठीक है। बोले ये देवता दैत्य में जब लड़ाई हो, देवता अगर हार गए तो हार गए, अगर देवता तो मर गए तो मर गए, अगर दैत्य मर जाते इनका गुरु शुक्राचार्य वो संजीवनी मंत्र से फिर जिंदा कर देते। एक समय देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत पी करके अमर बनोगे। मंथन हुई तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, अब इसको कौन पान करेगा, श्री भोले बाबा को प्रार्थना किया, शंकर जी टन के टन जहर को उन्होंने पान कर लिया, और कहां पर धारण किया, बोले गले में,
इसलिए शंकर जी गल नील हो गया। शंकर जी का एक नाम है नीलकंठ है, बोला श्री नीलकंठ महादेव। देखो शंकर जी एक बहुत बढ़िया शिक्षा दिया। माताएं ध्यान देकर सुना, शंकर जी विशेष करके माताओं को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। कहते भैया कोई गंदी चीज हो ना उसको कभी भी मुंह में मत धारण करो, नहीं उसको कभी हृदय में धारण मत करो। शंकर जी क्यों हृदय में नहीं लिया, बोले हृदय गंदा हो जाएगा। बोले उसको मुंह में क्यों नहीं रखा, बोले मुंह भी गंदा हो जाएगी। हैं मुंह भी गंदा हो जाएगी। आप देखना ये जो रामायण महाभारत हुआ ना, ये जीवा की वजह से ये रामायण महाभारत हुआ है। ये महाभारत क्यों हुई, बोले द्रौपदी के लिए हुई। बोले द्रौपदी ने ऐसे क्या बोला, उसने इतनी सी बात बता दिया, अंधा का बेटा अंधा होता है। बस दुर्योधन को तो क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, इसका मजा मैं चखाऊंगा। उन्होंने सारे एक कारण के लिए महाभारत हो गई। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, ध्यान देकर सुना, हर चीज में हड्डी है। अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे हैं। आप बता सकते हो एक चीज है जिसमें हड्डी नहीं, बोलो जोर से जी। देखना हर समय लपर 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 वो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। ये महाभारत इसी वजह से हुई। देखना हमारे घर में भी महाभारत हो जाते हैं, क्यों, कुछ हुआ ही नहीं, किसी तरह से जीवा कैसे सीप हो गई। कोई थोड़ी सी कोई बोली बोल दी, तुमने सुना है उसने मेरे को क्या बोल रहा था, बस पति को कान में धीरे धीरे मंत्र देती रहेगी, वो ऐसे बोल रही थी ऐसे। देखना केवल जीवा की वजह से घर में लड़ाई है। बोले ये रामायण क्यों हुई, जीवा से। ये माता सीता भी थोड़ी गड़बड़ी की, मैया सीता तो गड़बड़ी करती नहीं, जगत को शिक्षा दी है। जिस समय वो मारी जी हिरण बन करके आया, मैया सीता बोले ये हिरण को पकड़ करके देख ले आओ। राम गए लक्ष्मण को, बोले देखो लक्ष्मण यहां से हटना नहीं, ये राक्षस रोग लेते हैं, किसी तरह से जाना नहीं। लेकिन राम ने जब उसको बाण मारे, वो तो था राक्षस था, बड़ी जोर से चिल्लाया भैया लक्ष्मण। सीते बोले तुमने सुना राम के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है, लेकिन लक्ष्मण को पता भगवान के ऊपर थोड़ी विपत्ति आई। बोले नहीं मैं नहीं जा सकता हूं। सीता इतनी सी बोल दी, अभी मैं समझ गया हूं, गई हूं तू साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तू मेरे से शादी करोगे। केवल इतनी सी बोली बोले, लक्ष्मण तो उनको मां मानते हैं, कहां ये सुन सकते हैं। उसने लक्ष्मण रेखा को काट कर गए। सीता दो गलती की, एक तो लक्ष्मण रेखा को लंघन की, और ये जीवा को उन्होंने पूरा बात में लगाई, पूरा के पूरा रामायण हो गया। शिक्षा देते हैं माताओं को, कभी भी मर्यादा रेखा को पार नहीं करना, नहीं तो रावण हमें उठा करके ले जाएगा कहीं है। इसलिए कभी मर्यादा रेखा लंघन नहीं करना, और ये जीवा को सावधानी से, क्योंकि घर का लक्ष्मी होती है माताएं, वही घर को संभाल सकती हैं, वही घर को विनाश कर सकती हैं। इसलिए ये जीवा बड़ी गड़बड़ी चीज है। इसलिए शिक्षा देते हैं शंकर जी माताओं को, विशेष करके जीवा को, बोलते समय वाणी को सावधान से बोलो, नहीं तो घर में आग लग जाएगी, महाभारत रामायण शुरू हो जाएगी। माताएं ही घर को रक्षा कर सकती है। इसलिए अभी समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी निकली, फिर माँ लक्ष्मी नारायण के गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई, निकला अमृत, अमृत निकलते ही देवता दैत्य में तो लड़ाई से, अभी दैत्य लोग जोर जबरदस्ती छीन लिए। इतने में ठाकुर जी ने देखा, अगर दैत्य लोग अमृत पान कर लिया अमर बन जाएंगे, अगर ये अमर बन जाएंगे ना दुनिया के लिए ध्वंस कर देंगे। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लेते हैं, क्या सुंदर ठाकुर जी, अद्भुत सुंदर। अभी मोहिनी रूप देख करके जो लड़ रहे थे ना अमृत के लिए, सब चुप। इतने में भगवान ने कहा भैया क्या बात, क्यों लड़ रहे हो, बोले अमृत के लिए। बोले ये जो पीले पीले रंग जो पहन करके पीले पीले तिलक, ये कौन है, बोले ये हमारे भैया है। इतने में दैत्य लोगों ने कहा देखो मोहिनी अमृत पिएगा तो तेरी तुम्हारी हाथ में। बोले देखो मैं अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए, बोले पिएगा तो तुम्हारी हाथ में, नहीं तो पिएंगे नहीं।
बोले दो लाइन करके बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं, बोले कुछ भी नहीं बोलेगे तुम, जो कुछ करना। बोले देखो ऊपर ऊपर का जो पानी पानी है तो देवता को पिला दूंगी, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा दोनों एकांत में बैठ करके पिएंगे। बोले मोहिनी अगर ये अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सचमुच से जो मोहिनी थी अद्भुत, ये पृथ्वी में ऐसे लोग नहीं होते, स्वर्ग में भी रंभा उर्वशी गंधर्व भी ऐसे नहीं, क्योंकि ठाकुर ने ये मोहिनी रूप धारण किया था। दैत्य तो पागल, वो देवताओं को पिला रहे थे, अभी दैत्यों का नजर अमृत में नहीं, दैत्यों का नजर मोहिनी प्रति, मोहिनी केवल दैत्यों के तरफ में देख करके थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है और तेरे चितवन से देख रही थी, और दैत्य तो वही देख देख रहे पागल हो रहे थे। जब उन्हें सारे अमृत पिला दिया ना, इतने में जो कलसी खाली को उन्हें फेंके और वहीं से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, दैत्य लोग अमृत पी चुके हैं, एक तरफ से काटना शुरू किया दैत्यों को। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है ये दैत्य वंश ही समाप्त हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी आकर के सबको रोके, फिर गुरु जी आए शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से फिर जिंदा कर दिए। अभी जो दैत्यों का राजा बलि, बलि ये देवता लोग हमसे धोखे दिए, दोनों मिल करके समुद्र मंथन की, अमृत दोनों को मिलना चाहिए था लेकिन अकेले देवता भी लिया, उन्होंने एक यज्ञ किया विश्वजीत यज्ञ, वो यज्ञ से एक रथ निकला और वो रथ के ऊपर जो बैठ करके युद्ध करेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने देवता लोगों के ऊपर चढ़ाव करके सारे देवता को मार मार करके भगाया और इंद्र आसन को दखल कर लिया। अभी देवताओं का जो माँ अदिति कश्यप ऋषि से बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, बोले देखो एक पयो व्रत केवल 12 दिन का, ठाकुर को खीर भोग लगाओ और नित्य नियम से तुम लोग रहो, ठाकुर जी को सेवा पूजा करो, ठाकुर जी बामन अवतार लेकर के वापस देंगे। फिर भगवान श्री बामन देव प्रकट होते हैं, बोले श्री बामन भगवान की जय। जब श्री बामन देव प्रकट हुए, एक मिनट अभी मत लाओ और एक मिनट रुक जाओ, जब बामन देव प्रकट हुए तब उनको उपनयन संस्कार हुई, नियम है जब उपनयन संस्कार हो गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहते हो, बृहस्पति बोले देखो तुम नर्मदा नदी किनारा में चले जाओ, वहां पर बलि यज्ञ करता है, यज्ञ को बाद में जो जो कुछ मांगो सारी इच्छा पूरी करता है, उनको स्वर्ग राज्य मांग करके ले आओ। जब भगवान बामन देव पहुंचे उनके रूप देख करके बामन श्री बलि महाराज बोले मेरे जीवन धन्य हो गया, इतने तेजस्वी ब्राह्मण इतने सुंदर, उन्होंने उनको सिंहासन में बैठाए, चरण को अभिषेक करके चरणामृत पिए, बोले आपको आज मैं इतने दान दूंगा आपको कभी और झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले देखो मैं ऐसे लेने वाला नहीं, पहले आप संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहा था शुक्राचार्य तो यज्ञ कर रहा था, उसको किसने कहा तू तो सुहा सुहा में लगा हो, तेरे चेला तो लुटे जा रहे हैं। इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए, बोले बलि सावधान, इसको जो देख रहे हो ना बताइए कौन है, पहले जो मोहिनी बन करके तुम्हें अमृत से वंचित कर दिया वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया, खबरदार ये तीन पग जमीनी नहीं ये त्रिभुवन का राज्य लूट लेगा। देखो ऐसे दान को दान नहीं मानी जाता जो सब कुछ लूट जाए। बलि महाराज तो खुश हो गए, बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, बोले क्यों, बोले एक तो ठाकुर जी, और ठाकुर तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं लेकिन आज ठाकुर जी मेरे पास में मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए, मेरे जैसे कोई सौभाग्यवान होगा मैं तो जरूर ठाकुर को दूंगा। बोले मैं गुरु जी मेरे बात को नहीं मानोगे, बोले नहीं, बोले जा तू श्री भ्रष्ट हो जा, बोले कोई बात नहीं ठाकुर को मैं दान दूंगा। देखो ध्यान देकर सुनो, बोले नियम है गुरु त्याग नहीं करनी चाहिए पाप लगता है, लेकिन यहाँ पर बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों, बोले तीन स्थिति में आप गुरु को त्याग दे सकते हो। पहला नंबर है अगर ये शुद्ध कोई वैष्णव परंपरा में नहीं हो, दूसरी नंबर है शास्त्र का कोई विरुद्ध काम करता हुआ हो,
तीसरा नंबर है, अगर प्रभु की भक्ति से चुत हो गया, अगर प्रभु का भक्ति से गिर गया, असत संग से, दुष्ट संग से अगर वो गिर गया, फिर आप उसको गुरु रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हो। आप अगर त्याग दोगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगी। इसलिए अपना गुरु जी को हमने त्याग दिया, जब संकल्प करने के लिए गया फिर गुरु जी आकर के कमंडली में बैठ गए, फिर छेद किया तो एक आंख ही चली गई। मतलब है अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर धर्म कर्म कर रहा है, भैया बीच में टांग अड़ाए मत करो। हो सकता है तो उसमें मदद करो, लेकिन उसमें कभी टांग अड़ाया मत करो। टांग अड़ाओगे ना आंख ही चली जाएगी तुम्हारी, अंधा बन जाओगे। इसलिए शुक्राचार्य की आंख ही चली गई। बोले क्यों? बोले भगवत सेवा में अच्छे काम में टांग अड़ा रहा था। हैं? अच्छे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो आंख ही अंधे बन जाएंगे। फिर इतने में फिर उन्होंने संकल्प किया तो ठाकुर जी एक पग में भूर भूव मोहजन तप सत्यलोक तक नाभ लिया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरणों को अभिषेक करते हुए चरणामृत को कमंडल में रखा, वही श्री पतित पावन श्री गंगा बनी। बोले श्री गंगा देवी की कोई गंगा तुमकी जयकार नहीं दे रहे, जोर से जयकार दो, पता चले भागवत कथा हो रही है। बोले श्री गंगा देवी की इतने में दूसरे पग में उन्होंने अतल बीतल तलातल पाताल बताओ। तीसरे पग कहां पर रखे? उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, बोले नाग फास बंधन में बांध दो, बांध दिए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना विंध्यावली, बड़ी अच्छी थी पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी थी। उसने कहा अब ठाकुर को क्या दिया, दुनिया ठाकुर जी का, ठाकुर दुनिया को ले लिया, आपने दिया क्या? कुछ तो दिया ही नहीं। जब तक खुद को नहीं देते हो देना देना होता है। बोलो ना सर पर प्यार रखे। बोले भैया तेरी जैसे पत्नी होनी चाहिए। देखो इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब क्या? जो पति को धर्म काम में मदद करे। हैं? बोले एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी है। धर्म पत्नी मतलब क्या? किसी स्थिति आ जाए पति को, ऐसे नहीं सुख का समय में साथ में रहे और थोड़ी दुख पड़े ना पति को छोड़ छाड़ कर भाग दे, नहीं ये कर्तव्य नहीं। पति को हर समय पत्नी उच्चा करके रखे। पत्नी मतलब क्या? पतन से पति को जो निकाले, पतन समय में पति को हर समय अच्छे उपदेश दे करके उसको सद्मार्ग पर जो ले जाए। कहते ये पत्नी, बोले तुम सही पत्नी हो। अभी तो मैं सोच में पड़ गया था भाई करूं तो करूं क्या। बोले ठाकुर जी ये बताओ, जगत में दानी बड़ा ना दान बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले तो आप दानी लिए हो, दानी तो अभी बाकी है। बोले बताओ कहां पर प्यार रखे? बोले मेरे सर पर रखो। फिर भगवान ने उनके सर के ऊपर प्यार रखे और सारे देवता देख देख करके देखो कितने सौभाग्यवान हैं, जो चरण को पाने के लिए कितने देवता ऋषि तपस्या करते हैं। ठाकुर जी आज वो दुर्लभ चरण को कहां दिया? श्री बलि महाराज के सर पर दिया। स्वर्ग से सारे देवता लोग पुष्प की बौछार की और श्री बलि महाराज का जयकार दिए। बोले श्री बलि महाराज की जय हो। बोले श्री बामन भगवान की जय। जय श्री राम। और एक मिनट, इतने में उन्होंने भगवान को पाताल लोक में स्थान दिया और भगवान को बोले क्या वर मांगो? एक प्रभु एक मिनट, बोले क्या चाहते हो? बोले देखो मेरे राज्य में मैं जिधर निकलूंगा आपका दर्शन करना चाहता हूं। तथास्तु बोल दिए, भगवान बलि महाराज का दरबान बन गए। एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, वैकुंठ खाली देखा। बोले प्रभु जी कहां? बोले पता नहीं कहीं गए थे आए नहीं। बोले प्रभु तो ठकने गए थे, स्वयं ठक गए। बोले ठक गए मतलब? बोले विदेश में अपना नौकर ढूंढ लिया। बोले कौन सा नौकर? बोले दरबान। बोले कहां पर? बोले बलि महाराज की। इतने में पति को लेने के लिए आए, देखा भगवान बामन देव बैठे हुए। बोले और कोई काम नहीं था? यही काम रह गया तुम्हारी, यही हैं, यही कसर रह गई थी। बोले बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूं, अभी बात मत करो। बलि महाराज रोज दान देते हैं, माँ लक्ष्मी भी दान लाइन में खड़ी हो गई। लक्ष्मी की जब समय आया, बोले बर मांगो। बोले पहले संकल्प करो।
बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरा कहां से आ गया, ये दूसरा कहां से आ गया। बोले संकल्प करने का क्या जरूरत, बोले बगैर संकल्प से मांगती नहीं। उनने संकल्प किया, बोले देखो मेरे घर में तो सब सुखी सब कुछ है लेकिन घर में कोई दरबार नहीं। मैंने देखा आपका दरबार में अच्छा दरबार, ये दरबार को दे दो। वो समझ गए ये और कोई नहीं लक्ष्मी। बोले बताओ अब है कौन, सख्यात माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। बोले मैया लक्ष्मी की जय। भगवान बामन भगवान बोले देखो मैं तो ठाकुर को दे ही नहीं सकता हूँ, एक स्वरूप में जाओ दूसरे स्वरूप में आओ। तो उन्होंने लक्ष्मी को उन्होंने भगवान बामन देव को ला करके लक्ष्मी को हाथ में देते हैं। देखो लक्ष्मी को हर्ष में देखो हाथ ऐसे करके बैठती है क्योंकि दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। लक्ष्मी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन आज लक्ष्मी स्वयं बलि महाराज को पास में दान मांग रहे हैं, दान की भिक्षा मांग रहे हैं। आज बलि महाराज जो दुनिया को देने वाली उसको दान आज बलि महाराज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, छोटे मोटे चीज नहीं दे रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक को दे रहे हैं। उन्होंने श्री नारायण का हाथ ला करके लक्ष्मी को प्रदान की और सारा दुनिया जय जयकार कर उठे। बलि महाराज कितने सौभाग्यवान, ठाकुर जी को माँ लक्ष्मी को दान देते हैं। बोले श्री बलि महाराज की जय। अभी बामन भगवान आएंगे। देखो आज भगवान आपसे भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। सुदामा दो मुट्ठी चिड़वा दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। आज ठाकुर जी आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, आप लोग ठाकुर जी को कुछ कुछ दान देना, ठीक है। बोले श्री बामन भगवान श्री बलि महाराज की जय। जय श्री राम। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, कुछ भिक्षा मांगने के लिए जा ले सबके पास। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान के तेरे भगवान